आज देखते हैं हम के जीवन विद्या शिविर से हम क्या सीख रहे हैं। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे, सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया उनका मंगल भी होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया उनका भी मंगल होए रे। पाला पोसा बड़ा किया उस पिता का मंगल होए रे। इस जगत के सब दुखियारी प्राणी का मंगल होए रे। जल में स्थल में और गगन में सबका मंगल होए रे। अंतर मन की गांठी टूटे अंतर निर्मल होए रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए शील समाधि होए रे। शुद्ध धर्म धरी दीप जागे पाप पराजित होए रे। इस धरती के तर तिन में कन कन में धर्म समोहि रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे घर घर में शांति समोहि रे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। सबका मंगल होए रे। सबका मंगल होए रे। धन्यवाद। हाँ जी, सभी को नमस्कार। तो कितने लोगों तक बात पहुंच गई कि शादी करने का पर्पस क्या है, है ना? ठीक हो गया? बोल के बता सकते हैं? मुंबई वाले बताएं शादी क्यों करना है? पुराने लाइसेंस सब कैंसिल करने पड़ेंगे और शादी का रिन्यूअल करना होगा, तो नए सिरे से सोचना होगा भैया। वंश परंपरा को बढ़ाने के साथ ही साथ संस्कार परंपरा और ज्ञान परंपरा को बढ़ाना विवाह का उद्देश्य। हाँ, तो वंश परंपरा को बढ़ाना फिर कहना ही नहीं पड़ेगा। संस्कार परंपरा को बढ़ाना है उसमें वंश परंपरा अपने आप ही निहित है, आप आ जाती है ना? तो देखो हमारा कितना गहरा ध्यान वंश परंपरा पे बना हुआ है। लाल किला बनाया ना, उसको कौन देखेगा? तो सार बात इतनी है कि ज्ञान परंपरा के अर्थ में विवाह है, ज्ञान परंपरा के अर्थ में परिवार है। तो ये इस पर्पस को मिले बिना अब शादियां टिकाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बाकी सारे आधार गड़बड़ा गए हैं, है ना? चाहे वो फिजिकल रिलेशन की बात हो, चाहे वो समाजीकरण की बात हो, चाहे वो बच्चे पैदा करने की बच्चों की जरूरत की बात हो, चाहे वो घर की व्यवस्था की बात हो, अब सारी चीजें आपको बाजार में उपलब्ध है। कोई भी चीज बाजार में उपलब्ध ना हो ऐसी कोई चीज नहीं है, और आपके मोबाइल पे सब उपलब्ध है। खाना चाहिए तो एक बटन दबाओ, सारी आवश्यकताएं एक बटन पे उपलब्ध है। यदि शरीर की आवश्यकताओं को लेके हम शादी की सोच रहे थे
अब वो नहीं चलेगा, अब उसमें शादी की प्रासंगिकता खत्म हो गई। अब सही अर्थों में जिस अर्थ में हम थे ही, ऐसा नहीं कि कोई नया आ गया, पहले से भी इसी अर्थ में थे, इसको समझ के नहीं जी रहे थे तो प्रॉब्लम थी ही, लेकिन अब उस पॉइंट पे पहुंचे कि जहां शादी को सही अर्थों में पुराने आधार गिरना शुभ है, पुराने आधार गिरना उचित है, क्योंकि पुराने आधार गिरेंगे तो हमको सही आधारों को ढूंढने की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसी बात आजी बोल रहे हो इसलिए बोल रहा हूँ, अभी तो ज्ञान का ऐसी आपकी तरफ से हमारी तरफ जुड़ रहा है। जी जी, तो शिविर में आए तो प्रश्न तो मैंने आगे भी डिस्कस किया कि थोड़ा माइक ऊपर, क्यों जिंदा है, ये क्वेश्चंस तो पिछले 10 साल से परेशान कर रहा था, और लग रहा है कि मतलब सुबह उठ रहे जैसे टंकियां भरना, टंकियां खाली करना और टंकियां पैदा करना, तो एक रोबोटिक लाइफ लग रही थी। बहुत बढ़िया, आप तो विसनगर से ही, पालमपुर नजदीक, पालमपुर नजदीक, तो ऐसा लग रहा था कि ये हो रहा है, और फिर कहीं जाके पुनर्जन्म का भी कुछ समझ में आया और लॉजिक में आया कि भी होता है, चलो तो फिर से और परेशान हुए कि मतलब पुनर्जन्म होता है तो मैं एज ए चाइल्ड पैदा हुआ हूँ, बड़ा हुआ हूँ, पढ़ा हूँ, शादी किया है, बच्चा पैदा किया है, तो उसके भी शादी कराऊंगा, उसके भी बच्चे आएंगे और मैं मर जाऊंगा, फिर मैं पैदा होऊंगा, फिर से पढ़ूंगा, फिर से बड़ा होऊंगा, फिर से मैं शादी करूंगा, फिर से बच्चा पैदा करूंगा, फिर से उनकी शादियां कराऊंगा, फिर मर जाऊंगा, तो मतलब ये क्यों करूं अगर यही चल रहा है। यही प्रश्न अभी के बच्चों में खड़ा हो गया है, तो इसकी वजह से ये क्यों जिंदा हुई यहाँ पे आता था, क्योंकि यही साइकिल है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, फिर कहीं सुनने में आता है कि मोक्ष नाम की कोई चीज है, कि भाई यात्रा खत्म हो जाएगी और जीव यहाँ पे आएगा नहीं फिर वापस, तो उसी चक्कर में स्पिरिचुअलिटी को ढूंढ रहे थे, फिर यहाँ जाके पता चला कि सर हाँ यात्रा ही खत्म करने थे तो आया ही क्यों था। हाँ, तो फिर यहाँ आपके माध्यम से पता चला कि शरीर कोई प्रश्न नहीं है, चलाना नहीं आता ये प्रश्न, इसीलिए शरीर से छूटना चाहते, अगर चलाना आ गया तो फिर जाने की कोई बात ही नहीं है, तो चैतन्य परमाणु अपने आप को इवॉल्व करता रहेगा इसी तरह से। और जब आप बता रहे हैं कि पदार्थ अवस्था, जीव अवस्था और प्राण अवस्था निश्चित आचरण के साथ जी रही, तो क्वेश्चन आ रहा है कि भी हम क्यों नहीं जी रहे, तो अभी जब आपने ये शादी वाला क्लियर किया, क्योंकि माँ बाप निश्चित आचरण के साथ नहीं है, अपने एक लाइन जो बोली कि मेरे शरीर के रासायनिक प्रक्रिया के थ्रू वो एज ए मॉलिक्यूल पैदा हो गए, लेकिन आचरण मेरे में से उनमें डायरेक्ट पैदा होने की वजह से नहीं आया और अच्छा नहीं जाता है। हाँ, तो इसलिए वो देख मुझे रहे बातें, मेरा आचरण ही लेने वाले, और मेरा आचरण लेंगे तो मैं भ्रमित हूँ तो वो तो भ्रमित ही होने वाले है, और ये साइकिल चलती रहेगी। तो इसी वजह से ये लक्ष्य आपने जब क्लियर किया कि जीवन बनाना है, मानव बनाना है, फिर अगेन इसके रेफरेंस में मतलब अभी वो क्वेश्चन ध्वस्त हो गया, क्यों जीना है वो क्वेश्चन, तो ये रोबोटिक लाइफ वाला क्वेश्चन ध्वस्त हो चुका है, अब पर्पस क्लियर है कि ये है, बट अगेन क्वेश्चन आता है कि मेरी ही जनरेशन में मेरे नाना जी जो कि स्वतंत्र सेनानी कवि रहे हुए, और उन्होंने मतलब अपना एक बेस्ट आचरण से जीवन जिया है और आगे बढ़े, उसको भी मैं अभी से ऐसे देख रहा हूँ कि वो संवेदनशीलता की पीक पे थे, पीक पे थे, बस इतना ही, सारी देशभक्ति, सारी स्वतंत्रता, सारी सेवा, देश संवेदनशीलता का पीक है या संवेदनशीलता। तो अभी आप जब बोल रहे निश्चित आचरण, तो बार बार हर एक माँ बाप जो भी यहाँ पे मतलब मैं ऐसा मान रहा हूँ कि जो भी ये शिविर में वो संवेदनशील है तभी है, बहुत बढ़िया, क्योंकि एक बात पता चली कि दो लोग परेशान नहीं हो रहे, संवेदनहीन है वो परेशान नहीं होने वाला है, और संज्ञानशील है वो परेशान नहीं होने वाला है। क्या बात, परेशान हो रहे संवेदनशील, और संवेदनशील जब परेशान हो रहे तो अपने आप को ऐसा मान के परेशान हो रहे कि मैं अच्छा हूँ और बाकी के लोग खराब है, तो इनडायरेक्टली तो वो मेरे सुख से ही जुड़ी हुई बात है, मैं संवेदनशील इसलिए हूँ कि मुझे अच्छा लगता है और मैं अपने आप को दूसरों से अलग मान रहा हूँ। तो जब निश्चित आचरण की बात आती है, तो वो निश्चित आचरण संज्ञानशीलता के रेफरेंस में ही होगा, संवेदनशीलता के रेफरेंस में नहीं होगा, नहीं होगा, और नहीं। अभी भी शायद हम यही ट्राई करेंगे जाके भी वापस की संवेदनशीलता के लेवल पे ही आचरण को शायद प्रस्तावित करने की कोशिश करेंगे, वो सफल नहीं होगा। तो उसी के लिए वो एग्जांपल मेरे दिमाग में आया कि नाना जी का संवेदनशीलता एक लेवल पे था, तो मेरी मम्मी और बहनें मिलके 3 बहनें थी और एक मामा जी थे, तो 4 बच्चे थे, तो वो आगे नहीं बढ़ा है आज की पीढ़ी में, जो उनका लेवल था वो आगे तो नहीं ही आया, जैसे आपने बताया वो भी क्लियर हो गया कि साधु का बच्चा लुटेरा हो सकता है, लुटेरे का बच्चा, तो फिर मैं ये बच्चे में डालने के लिए निश्चित आचरण अभी के लिए क्या कर सकता हूँ,
अभी इस पॉइंट पे तो मैं वापस जाऊंगा तो मैं तो संवेदनशीलता पे ज्यादा फोकस करना स्टार्ट हो जाएगा। एक ये क्वेश्चन है। दूसरा ये मन में आता है कि जैसे आप आगे किसी भी आपकी थोड़ी जो यूट्यूब पे देखी थी कि हर आदमी अलग लगना चाहता है दूसरों से, इसीलिए वो टैटू वैटू हेयर स्टाइल वेटर सब यही चक्कर है कि कुछ भी करके मैं अलग हो जाऊं। तभी ये भ्रम भी हो सकता है जब मैं ये नॉलेज लेके वापस जाऊंगा, तो यात्रा तो थोड़ी थी पहले भी नॉलेज था, तो ये भ्रम हो सकता है हम सबको कि अब मेरे पास कुछ अलग है आपसे। हाँ। तो फिर से वही चक्कर में फंसने वाले हैं। बिल्कुल। फिर वही दिखाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। आई एम डिफरेंट फ्रॉम ओवर और संवेदनशीलता वाला जाने वाले। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए आपने ये बहुत एक बड़े खतरे की ओर इंगित किया है। अब आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। बस तो ये दो प्रश्न है कि निश्चित आचरण के लिए कैसे आगे बढ़ा, क्योंकि संवेदनशीलता की तरफ ही बढ़ने वाले वापस से। बढ़िया। देखिए दो जो बात आपने कही और मेरे को लगता है कि हमारे कल शिविर का समापन है, उसके पहले हमारा ध्यान इस बात पे चला जाए। अब तक हम रूप बल धन पद के आधार पर दूसरों से अपने आप को विशेष बताते रहे हैं या बताने का प्रयास करते रहे। अभी एक नया औजार आ गया, अब घर जाके बाकी सबको बताएंगे तुम जिंदा हो जी नहीं रहे हो, है ना? और ये मानेंगे कि नहीं मैं तो तुमसे आगे हूं। तो अभी ज्ञान के आधार पे हम दूसरों से अपने आप को बड़ा विशेष बताने की कोशिश करेंगे। ये अहंकार और भी सूक्ष्म है, पहले वाला तो कम से कम दिखता था, ये तो और खतरनाक है। ठीक। तो इसका मतलब है आप ऐसा करेंगे तो कुछ आपके घर वाले ठीक कर देंगे, कुछ बाहर वाले ठीक कर देंगे। इसलिए घर वाले, इसकी पत्नी साथ में आ गई उसको तो चिंता करने की जरूरत नहीं, इसलिए हम कहते हैं भैया परिवार सहित आओ। परिवार के सारे लोग आ गए तो आपको वैसे ही ठीक रखेंगे, है ना? खुद ठीक हो नहीं, आदमी क्या बाय नेचर परोपकारी है, मैं ठीक हूं नहीं हूं आपका तो ख्याल रखूंगा, तो ऐसा आदमी करता है। पर यह बात ठीक है क्योंकि हमारी पुरानी आदत है, पुराने अभ्यास है विशेष दिखने की, दूसरों से अलग दिखने की, दूसरों को डोमिनेट करने की, अपना प्रभाव दूसरों पर बताने की। ज्ञान का मतलब एक ही है कि हमने हमको सामने वाले को देख के प्यार आता है, उसके प्रति सम्मान आता है, ये ज्ञान का मतलब। हेलो। दूसरा अपने सामने छोटा लगता है ये अहंकार है। तो हम हर एक के साथ में उपयोगिता पूरकता को देख पाए तो ये ज्ञान है, विशेषता को देख पाए तो ये भ्रम है, ये है ना, ये प्रॉब्लमेटिक है। तो ये बात तो आपकी ठीक है जी। हेलो। हाँ। मानव का प्रगति, दूसरा जो आपने कहा कि आगे के लिए हम क्या करें, अपने बच्चों तक कैसे लेके जाएं, तो खुद में आ जाएगा तो अपने बच्चों में भी आ जाएगा। तो एक तो ये कह रहे हैं कि ये 3 महीने का अध्ययन, अभी ये 11 जुलाई से लेके 10 अक्टूबर तक, जिसकी स्थिति हो, इस साल स्थिति नहीं होगी तो अगले साल, है ना? तो 3 महीने का, और रायपुर में 6 महीने का होता है, लेकिन वो 6 महीने के लिए अपना एक बार ये 3 महीने से गुजर के एक हमारा माइंड सेट तैयार हो जाएगा, दर्शन की एक लेवल की पकड़ आ जाएगी, तो हम 6 महीने वाले ग्रुप में बढ़िया से टिक पाएंगे। तो मेरे को लगता है कि पहला स्टेप ये है कि हम 3 महीने वाले को पार करें। शिविर की उपयोगिता भूमिका इतनी ही है कि हम बुक्स में पढ़ के समझने का कॉन्फिडेंस पा जाए, है ना? शिविर से समझना नहीं होता है, शिविर से उत्साहित होना होता है। तो इस बात को भी हम ध्यान में रखें। चलिए, हाँ आप कुछ कह रहे थे। हेलो। मैं कह रहे थे। हेलो। हाँ, कहाँ पे हो, कहाँ पे हो? हाँ, मानव का प्रगटन करना होता है इसलिए शादी करनी जरूरी है। यहाँ एक कंसेप्ट यहाँ ये भी क्लियर हुआ कि कहा जाता है कि पति पत्नी दो शरीर एक आत्मा है, क्योंकि दोनों को मिलकर एक मानव का प्रगटन करना होता है, ये बात हमें यहाँ से समझ आ रही है। तो ये समझ में आया कि बायोलॉजिकली तो माँ बाप मिलके एक बच्चे को जन्म देते हैं, लेकिन आचरण के रूप में पूरा परिवार मिलके एक बच्चे को जन्म देता है। जब आचरण की बात करेंगे वो अकेले माँ बाप की बात नहीं हो रही, तो पूरा परिवार मिलके एक बच्चे को जन्म देता है, बल्कि कहेंगे तो पूरा मोहल्ला मिलके एक बच्चे को जन्म देता है, क्योंकि बच्चा तो मोहल्ले को भी देखता है, स्कूल में जाता है तो टीचर को भी देखता है, तो पूरा समाज मिलके एक बच्चे को जन्म देता है, इसलिए शादी में इतने लोग इकट्ठे होते हैं। सर, दो टर्म्स में कन्फ्यूजन था, एक हम कहते हैं परिवार और एक नाम लेते हैं संयुक्त परिवार, तो दोनों में क्या अंतर है, बेसिकली तो ये अंतर है कि मूल में तो हम परिवार जो कह रहे हैं तो संयुक्त परिवार ही,
संयुक्त परिवार का मतलब क्या है, एक व्यक्ति किसी परिवार में जन्म लेता है और एक दिन उसका शरीर शांत होता है, शरीर शांत होते होते वो 70-80 साल का हो जाता है। अब नेचुरल है, जब तक 70-80 साल का होगा तब तक इसके बच्चों की शादी होके, उनके बच्चों की शादी होके, उनके बच्चों का समय आ ही जाएगा, तो ये नेचुरली 3 पीढ़ियां एक परिवार में हो गई, 3 से 4 पीढ़ियां। तो इससे समझ में आया, तो परिवार का नाम तो यही है। लेकिन अभी जो हम साथ में नहीं रह पाए तो हम ज्वाइंट फैमिली टूट के न्यूक्लियर फैमिली हो गए, है ना, क्या किसी की जॉब लग गई तो भी अलग चले गए। तो इस तरह से पति पत्नी, तो यदि इसी संदर्भ में बात को करें तो दो बातें कर लें, पहले मैं बात को पूरी कर लूं जो मैं करना चाहता था। देखो, शादी को लेके हमने क्लैरिटी कर लिया तो इससे हमारा एक ध्यान में आ गया कि अब पूरे विश्व के लोगों के लिए, विश्व के, ये भारत का मामला रहेगा कि पूरे विश्व का रहेगा, तो पूरे विश्व के लिए है। अब हमारी बहुत सारी क्लैरिटी आ गई, अब हम एक ध्रुव आ गया, अब शादी को लेके अलग अलग मान्यताएं नहीं हो सकती हैं, शादी को लेके एक ही मान्यता है कि माँ बाप अपने आचरण के प्रतिरूप के रूप में अपने बच्चों को जन्म देते हैं और अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं और अपने ज्ञान को, अपने अपने में समाधान को, मैं समाधानित हूँ इसको प्रमाणित करने के लिए हम परिवार चलाते हैं। तो यदि ये बात ध्यान में आ गई तो अब जो बहुत सारा और जो चीज़ें वैरायटी हैं उस पर भी हमारा ध्यान जाता है। हम गेज की बात करें, लेस्बियंस की बात करें, तमाम जो कुछ भी आज बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूज़न में हैं कि ये क्या सही है क्या गलत है। अब किसी को सही गलत कहने की हमको आवश्यकता नहीं, सभी मानव हैं, तो सभी शिविर करें। तो कुल मिला के ये समझ में आया कि मानव मूलतः सुखी होना चाहता है, सुखी होने वाली चीज़ जीवन है कि शरीर है, जीवन है, सुखी होने वाली चीज जीवन है, और सुखी होने का मामला ज्ञान से होगा कि शरीर से होगा, ज्ञान पूर्वक होगा। तो ज्ञान पूर्वक मानव सुखी होता है तो फिर वो तय कर ले कि उसके लिए क्या ठीक है। अभी हम शरीर से सुखी होते हैं इसलिए शरीर में वैरायटी और क्वांटिटी की तलाश होती है, इसलिए तमाम तरह के ये कॉम्बिनेशन, और भी क्या क्या कॉम्बिनेशन निकलेगा हम कह नहीं सकते हैं। तो किसी को गलत सही हम यहाँ से नहीं कह रहे हैं। कोई भी व्यक्ति यदि पूरे कंटेंट को ठीक से सुनेगा और अपने आप को मानव के रूप में पहचान पाएगा और मानव समाधान पूर्वक ही सुखी होता है, यदि मानव समाधान पूर्वक ही सुखी होता है तो एक विवाह का मतलब यही भी है कि स्त्री पुरुष के बीच में जो शरीर की आवश्यकता है वो भी सामाजिक विधि से पूरी हो जाए, वो किसी अव्यवस्था की ओर ना जाए। तो विवाह का एक मतलब है कि शरीर की आवश्यकताएं पूरी होती रहें, क्योंकि नेचुरल है शरीर की आवश्यकताएं। तो सेक्स के रूप में शरीर की आवश्यकताएं पति पत्नी के बीच में नियंत्रित रहें, ये भी विवाह का एक पर्पज है। दूसरी बात समझ में आई कि सही अर्थों में हम अपने ज्ञान को प्रमाणित करने के अर्थ में अपने अपने, देखो ये बात पहले भी अपने चर्चा में आई कि जब एक बच्चा कॉलेज से बाहर निकलता है उसके बाद वो परिवार से पैसा मांगे, ये उसको ठीक नहीं लगता। इसका मतलब हर मानव के पास शरीर है तो शरीर की आवश्यकता पूर्ति के लिए वो सेल्फ रिलायंट हो, ऐसा उसकी स्वीकार्यता में है। हर मानव एक जीवन है और जीवन की आवश्यकता पूर्ति के लिए वो सेल्फ रिलायंट हो, ये उसकी आवश्यकता है। इसलिए शादी होते ही किसी को हमारे बीच में ठीक नहीं है ये पता चले ऐसा हमको स्वीकार नहीं, क्योंकि हमारी ये स्वीकार्यता है कि हम ठीक से जीना मुझको आता है। तो मुझको हर व्यक्ति अपने शरीर की आवश्यकता के लिए समर्थ है, हर व्यक्ति संबंध में जीने की योग्यता के साथ है, यही उसका स्वीकृति आ जाता है जवानी तक शादी होने के साथ ही। इसका मतलब ये हुआ कि विवाह का मतलब क्या है, तो विवाह का मतलब ये है कि ये दो लोग इस तरह से इकट्ठा हुए हैं जिनको अपने शरीर की आवश्यकता पूर्ति के लिए भी कॉन्फिडेंस आया है और अपने जीने को लेके भी कॉन्फिडेंस आया है। तो मुझको ये विश्वास आया है, मुझको जीने के, जब जीने की बात कर रहे हैं तो जिंदा रहना उसमें शामिल ही है। यदि मुझको ये जीने का विश्वास आया है तो इसका प्रमाण क्या होगा, तो मैं अगली पीढ़ी में जीने के विश्वास को ट्रांसप्लांट कर पाऊं, अगली पीढ़ी में जीने के विश्वास को दे पाऊं, ये मेरे लिए, इससे बड़ी खुशी और मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती कि जो मेरे पास था। आज माँ बाप के पास संपत्ति है तो अपने बच्चों को संपत्ति दे के खुश होते हैं। सही अर्थों में असली संपत्ति एक मानव की आचरण ही है, तो एक मानव के द्वारा अपने आने वाली पीढ़ी को आचरण दिया जाना उनकी मौलिक संपत्ति है। इसी संपत्ति की तलाश में वो आया था, है ना, प्रॉपर्टी की तलाश में वो नहीं आया था। तो
तो ये हमारे ध्यान में आता है तो सभी मानव के साथ में बात हो सकती है। मेरे बहुत दिन से ऐसा ध्यान में है कि ट्रांसजेंडर्स के साथ में शिविर किया जाए, है ना, गेज या लेस्बियंस इनके साथ भी शिविर किया जाए, और ये कैसा इस कंटेंट को लेते हैं और कैसा कंक्लूजन तक पहुंचते हैं, ये भी एक एक्सपेरिमेंट का, ये भी एक ऑब्जर्वेबल पॉइंट होंगे, भविष्य में इसको देखें। सर जी एक मिनट, हाँ कहाँ पे हो आप? इधर। इधर नहीं होता है, लेफ्ट होता है, राइट होता है। हाँ हाँ। मेरा एक क्वेश्चन है, पहचान और सम्मान का आधार क्या है? आचरण जी। हाँ जी। जब परिवार होता है, जहाँ सपोज तीन बच्चे होते हैं, माँ बाप होते हैं, तो बच्चे जब बड़े होते हैं, आई मीन 25 साल के होते हैं, 24 साल के होते हैं, फिर बच्चों की शादी की जाती है, तो बच्चों की शादी करते हैं, तीन अगर भाई होते हैं और माँ का ये विचार है कि जैसे शादी होगी वो शादी करने के बाद साथ में रहेगा कुछ समय तक, फिर उसको अपने आप अपने लिए एक घर लेना चाहिए, क्योंकि तीन भाई मतलब तीन बहू एक ही घर में रहना शायद उसके कारण फ्रिक्शन आ सकता है। हाँ, क्योंकि हमको साथ जीना नहीं आता, हमको पहले से पता है। तो ये क्या ये विश्वास और ये बराबर है? अब आप ही सोचो, आप बताओ क्या ठीक है? हमने ऐसा किया है इसके लिए? नहीं, ऐसा नहीं। पंजाबी फैमिलीज में तो ये बिल्कुल सामाजिक रूप में होता है, शादी करते ही चूल्हा अलग होता है, ये बाय डिफॉल्ट है, क्योंकि उस परंपरा ने अपने में पहले से पहचान लिया, शादी का मतलब नई बहू का मतलब उनकी अपनी जिंदगी है और परिवार में साथ में नहीं चलेगा, कल झगड़ा करके अलग होंगे, इससे अच्छा है पहले से अलग रहें ताकि आपस में कम से कम सामान्य रिश्ते तो बने रहें, ये कॉमन सेंस है। लेकिन ये समझौता है कि समाधान है ना? खुशी तो यही होगी कि हम प्यार से साथ साथ रहें, खुशी तो यही। हाँ, घर छोटा है, घर में कमरे ही दो हैं, और कमरे की वजह से, घर के हर छोटा की वजह से व्यवस्था की दृष्टि से हमको दूसरा घर लेना पड़ता है, वो अलग बात है। लेकिन हम साथ में नहीं रह पाएंगे, हमको पता है, कल झंझट ना हो, और हम, ये आपके परिवार की बात नहीं है, हम सबके परिवारों में ऐसा ही होता है। तो इसलिए चाहत तो यही है कि हम साथ में प्यार से रहें, लेकिन प्यार से नहीं रह पाएंगे इसकी संभावना आजू बाजू में देख के और सारे ऑब्जर्वेशन से हमको पता है कि नहीं चलेगा, इसलिए हम पहले से ऐसी व्यवस्था करते हैं कि कल को ऑकवर्ड स्थितियां ना आए। तो ये समझदारी नहीं है, ये समझौता है। हाँ जी सोमिया, नमस्कार। सोमिया, मैं संजय, माइक पास में रखिए, संजय दिल्ली से जी। सोमिया, मैं अपनी जर्नी शेयर करूँ तो मेरा पहला शिविर है और मैं यूट्यूब पे आपको देखा है, तो मेरा एक अंडरस्टैंडिंग तो बना यूट्यूब के थ्रू, उसके बाद मैं शिविर में आ गया। तो उस शिविर में प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि फैमिली को, जैसे आप कहते हैं कि फैमिली को साथ में कराएंगे, तो वो मैंने फेस किया कि जैसे मैं तो सुनता था यूट्यूब पे, तो मेरा एक अलग जर्नी स्टार्ट हो गया लास्ट 6 मंथ में। तो कॉन्ट्राडिक्शन क्या है भैया जी ने जो बोला, कॉन्ट्राडिक्शन क्या है कि परिवार में वो मैसेजिंग नहीं जा रहा है, तो आई वॉज फेसिंग दैट पीरियड एज वेल। तो अब आप कहते हैं कि परिवार के साथ आना चाहिए, तो माइक ऊपर, परिवार के साथ आना चाहिए, तो मैं परिवार को यहाँ लेके आया हूँ पहले शिविर में। तो मेरा अब ये प्रॉब्लम है कि मैं अब रात दिन आपको ही सुनता हूँ तो रात दिन यूट्यूब पे आपको सुनता रहता हूँ, बिजनेस में जाता हूँ तो बिजनेस में आपको सुनता हूँ, घर में तो घर में आपको सुनता हूँ। अब रात को सोता हूँ तो ईयरप्लग लगा के आपको सुन रहा होता हूँ, सो जाता हूँ उसी में। अब मेरे बच्चे आके ईयरप्लग निकालते हैं, फिर सुबह मेरे को, पापा आपको तो मोबाइल के अलावा कुछ नजर नहीं आता है। अब हम बच्चों को मना करते हैं कि मोबाइल मत देखो, अब वो कहते हैं आप भी तो देखते हो पापा, आप तो मोबाइल देखते देखते सो जाते हो। अब मैं उनको ये कह सकता हूँ मैं सोम भैया को देखता हूँ मैं तो सोम भैया को देख रहा हूँ। तो अब जिसको, जिसमें आपको सुख लगता है आप उसको देखते हो, जिसमें उनको सुख लगता है वो देखते हैं। तो अब मेरे लिए मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी फेस क्या है कि बच्चों को मोबाइल के लिए मना कर पाना थोड़ा सा
कठिन हो जाता है। तो अब आप इस कंसेप्ट देते ताकि यूट्यूब में मैं दिखा दिखा के उनको बताऊं कि सोम भैया ने ऐसा जवाब दिया था। मत दिखाओ, देखो ये सब मत करो। एक तो आपके अभी की गतिविधियों से आपका परिवार थोड़ा सा ये सफर को स्लो कर दे, थोड़ा लंबा जरूर होगा लेकिन परिवार साथ में चलेगा, इसकी संभावना ज्यादा है। तो एक तो यदि पत्नी साथ में शिविर का, भी आपके परिवार से कौन कौन आए हैं अभी? अच्छा, पत्नी है और दो छोटे बच्चे हैं, एक बिटिया है वो जॉब कर रही है, तो वो भी आना था पर आ नहीं पाए, छुट्टियां नहीं मिली। कोई बात नहीं, कम से कम पत्नी साथ में है तो ये समझ में आ जाता है कि ये जो नया दौर, नया मुल्ला ज्यादा बांग देता है ना, तो अभी आप नए मुल्ले हो, तो ये बांग एक दो साल चलती है या साल भर चलती है, उसके बाद ये खुद ही अपने आप नॉर्मल हो जाता है। तो जैसे डॉक्टर रहता है ना, जब बिटिया कंसीव कर जाती है तो डॉक्टर बताते रहता है, देखो अगले महीने ये होने वाला है, देखो अगले महीने ये होने वाला है, तो ऐसे हमको भी धीरे से पता चलता है नया मुल्ला क्या करेगा, है ना, उसके बाद ये क्या करेगा। तो यदि पति पत्नी को आपस में इस बात का पता रहता है कि ये दौर थोड़ा सा ज्यादा सुनने वाला दौर एक दो साल चलता है, तो वो भी फिर निश्चिंत रहती है कि कोई चिंता की बात नहीं है। और इस बात को सुनने से पति या पत्नी या बच्चे या परिवार के लोग, परिवार पे उनका ध्यान जाता है ना। एक बार पत्नियां शिविर, पहले पत्नियों को लगता है कि इस तरह की किसी सभा में जाने से पति परिवार के प्रति गैर जिम्मेदार हो जाएगा या परिवार छोड़ के भाग जाएगा, इसकी संभावना ज्यादा है ना, सामान्यतः इस तरह की चीजों से, क्योंकि ईश्वर प्राप्ति के तमाम जो भी कुछ है उसमें परिवार बीच में बाधा है, ऐसा सब पत्नियां उससे डरी हुई रहती है। पत्नियां साथ में शिविर कर लेती हैं तो फिर वो निश्चिंत हो जाती हैं कि जा, जितना सुनना है सुन ले और जहां जहां जाना है शिविर करके आ जा, कुल मिला के रिपेयर मेंटेनेंस करा के आएगा और एक अच्छा पति बन के आएगा। नहीं सोम भैया, मेरे को तो अच्छा लगता है कि आपको सुनते हैं, वो सब फॉलो करते हैं जो अच्छे की तरफ ही जा रहा है। बट फिर भी मेरा एक क्वेश्चन है, ये आपको सुनते हैं, आप इतने पोलाइट हैं लेकिन इनमें गुस्सा बहुत ज्यादा है, ये क्या रीजन है? धीरे धीरे वो सेट हो जाएगा। वो डिफरेंस है मेरे ख्याल से, मतलब जो अंडरस्टैंडिंग, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं आपकी बातों को सुन के मतलब एक्सप्रेस करता हूँ, मैं ऐसे चाहता हूँ कि वैसा ही हो, तो वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है, तो इसीलिए मतलब ऐसा, इसीलिए मैं धक्का मार के लेके आया आपके शब्दों में, तो अब वो तो हो गया। और ये मतलब हर मामले में धीरे शांत हो जाएगा, एक दो साल लगता है। देखो इतने साल की जिंदगी है, जो भी हमारे आवेश हैं, जो भी हमारी अतृप्तियां हैं, जो भी हमारे इनसिक्योरिटीज हैं, अपनी अक्षमता ही क्रोध, तो ये अक्षमता अलग अलग तरीके से व्यक्त होती है। जैसे जैसे ये सक्षमता में बदलेगा, हम सुख के मामले में सेटल होने लगेंगे, भाव और विचार के मामले में सेटल होने लगेंगे, अपने परिवार के प्रति आश्वस्त, परिवार को भी समझ में आ जाएगा जो कर रहा है ठीक ही कर रहा है, तो धीरे धीरे एक दूसरे को पचाने की हमारी क्षमता बढ़ जाती और हम आश्वस्त हो जाते हैं कि हम सही दिशा में जा रहे हैं, सही लक्ष्य की ओर जा रहे हैं, इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं, अपनी सक्षमता को बढ़ा। जी नमस्कार भैया जी, पॉइंट चल रहा है इसलिए ऐड कर रहा हूँ। जैसे इन्होंने बड़ा यही होगा और यहाँ से जो अकेले शिविर करने आए घर जाएंगे तो यही होने वाला है। हाँ हाँ, तो इसमें एक बात जोड़ दूं, धीरे से ये होने की आवश्यकता है कि आपके आचरण से आपके परिवार के लोगों में ये स्वीकार्यता आ जाए कि यदि इसका आचरण इतना बदल सकता है तो एक बार चल के देखना चाहिए कि क्या होता है। ये यही तरीका काम करेगा, खींचतान काम नहीं करेगा। आप प्यार से जितना अपने परिवार को मना के ला सकें, नहीं आए तो उसके प्रति द्वेष नहीं करना है, नहीं सुने तो उसके प्रति गुस्सा नहीं करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसकी भी अपनी मौलिकता है। कल तक आप भी कुछ और कर रहे थे, तो मैं घर का मुखिया हूं, मेरे को जो ठीक लगेगा फिर सबको वही करना है, ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, अब जमाना बदल गया। जी तो यही शेयरिंग भैया करनी थी कि विद्या, जीवन विद्या में आने से पहले भी मैंने बोला वैसे स्पिरिचुअल नॉलेज ले रहे थे, तो भौतिकता और इससे दूरी बन रही थी, और जैसे आपने बताया कि पति पत्नी में क्या बातें होती है, खाने में क्या बनेगा, चाय बनी कि नहीं बनी, तो ये जर्नी के बाद क्या मेरा डिस्कशन इनके साथ और मेरी बिटिया अभी 12th में आ चुकी तो थोड़ा अलग रहता था, तो ये उससे मतलब हैबिचुअल नहीं है, तो उनको लगता है क्या बातें कर रहे, क्यों पका रहे। जैसे एक और छोटा सा शेयरिंग की, अभी बिटिया को एक टैबलेट यूज कर रही है, 12th में पढ़ रही है, तो रियलमी कंपनी का है, अब उसके कॉलेज में स्कूल में कोई एप्पल का टैबलेट लेके आ गया तो वो प्रभावित होने वाली है, तो आके घर पे बताएगी कि वो मेरी फ्रेंड्स ने ऐसे एप्पल का टेबलेट लिया, तो मैं ये स्पिरिचुअल पॉइंट से फिर से उसको सुनाने आ गई, भाई इसका कोई मतलब नहीं है, वो
तो वो उसको ले ही नहीं रही। तो जैसे भाभी जी ने बताया कि मतलब आप तो पोलाइट हो और आपको सुन रहे हो और ये तो गुस्से वाले, यही केस यहाँ पे भी है। मतलब ये बोल नहीं रही, मतलब केस तो वही है तो ये बोल नहीं रही, मतलब केस तो ये है कि तो अभी सिविल चल रहा है और हम डिस्कस करते हैं तो अभी यही होता है कि तुम तो मतलब कर नहीं रहे हो और मुझे बोल रहे हो तो अब मुझे ये अक्षमता वाला जब आया ना आपका, तो वो मुझे पकड़ में आया कि हाँ भाई बिटिया की और इनकी वो क्षमता नहीं थी जो मैं डिलीवर कर रहा था कि वो ले पाए, एक तो ये पॉइंट था। और मेरी भी क्षमता नहीं थी कि मैं डिलीवर कर पाऊं भाई। फिर वो पिक्चर में गुस्सा तो उसी वजह से आ रहा था कि वो ले क्यों नहीं रहे, तो मतलब उसी बात का गुस्सा आ रहा है कि तुम्हारी क्षमता नहीं है। फिर यहाँ जाके पता चला कि गुस्से या क्रोध का डेफिनेशन आया कि दूसरों को नहीं समझा पा रहा हूँ, वो मेरी अक्षमता है और अक्षमता का प्रदर्शन गुस्सा है। तो वही निकल रहा था अब तक जो भी निकल रहा था वो वही निकल रहा था। और मतलब हर दो दिन में एक बार झगड़ा होता ही है, तो अब शायद इससे कुछ फर्क पड़े। ठीक है जी, पीछे माइक दीजिए। नमस्कार भाई जी, लास्ट शिविर एक पिराना में किया था आपका, एक सेंटेंस मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि मुझे क्रोध माना गुस्सा बहुत आता है, तो उसी टाइम आपने समझाया था कि अपनी अक्षमता का प्रदर्शन क्रोध है। तब से आज तक थोड़ा थोड़ा काबू कर पाया हूँ, कंट्रोल कर पाया हूँ। और कल एक सेंटेंस पढ़ा मैं, बोला ज्यादा भावनाशील हो जाता, ज्यादा भावुक हो जाता हूँ, तो ये मामले में हमेशा ये रोकती है मुझे, रोकने का तरीका कुछ अलग है। मतलब वो समझाती है, मैं फिर गुस्सा हो जाता हूँ, ऐसे मत समझाया कर। फिर कल आपसे जो हुआ इंटरेक्शन, उसमें हम दोनों ने रात में एक सेंटेंस, हमने एक कंक्लूजन निकाला। मैं बोला अगर ऐसा कभी होता है, ज्यादा अगर मैं भावुक होता हूँ, तो कोई फिल्म में एक डायलॉग था किसी का, तो उसमें कोई गेंदा भैया करके कैरेक्टर था, वो ज्यादा भावुक होता था। तो हमने एक ऐसा कंक्लूजन निकाला, सिर्फ आपको दो शब्द बोल देने गेंदा भैया, तो मैं तो बचाऊंगा। अध्ययन करें और कोई तरीका नहीं। अध्ययन पूर्वक हमारे जो भी अक्षमताएं हैं वो सक्षमता में बदलती है और हम धीरे धीरे सेटल होने लगते हैं, और इस प्रक्रिया में समय लगेगा, तब तक थोड़ा धैर्य स्वीकार किया जाए। देखो जो भी कुछ आज हमारा थॉट प्रोसेस है, ये एक दिन का नहीं है, ये पिछले 5,000 साल की यात्रा है, 10,000 साल की यात्रा है। तो 10,000 साल की समस्या एक दिन में ठीक हो जाएगी, 7 दिन में ठीक हो जाएगी, ये अपेक्षा ठीक नहीं है। तो अध्ययन में मन लगाएं, अध्ययन करने के लिए मैकेनिज्म बनाएं, जो कुछ भी व्यवस्थाएं चल रही हैं धीरे धीरे पहले की तुलना में अच्छी हुई हैं, आगे और अच्छी होंगी, तो उस तरफ जाएंगे तो बात बनेगी जी। बढ़िया। हाँ सर, सामने। सर एक्चुअली ये जो अभी बच्चों की बात चली थी कि बच्चे बाहर से प्रभावित होते हैं, तो मतलब ऐसा ही होता है कि भी चलो हमारा आचरण घर पे तो ठीक रहता है, मतलब ठीक मतलब इतना अच्छा भी नहीं, लेकिन सामान्यतः सिंपल लाइफ ही जीते हैं, तो बच्चों की डिमांड बाहर से देख के ज्यादा रहती है कि भाई अभी जैसे कि मेरे बेटे अभी लास्ट ईयर थर्ड में था, तो उसने वो मतलब पड़ोसी से बच्चे को देख लिया कि भाई उसके पास स्मार्ट वॉच है, बच्चा लेके आया है वो खेलने के लिए, तो घर पे आके उसने भी डिमांड की, तो थोड़ा बहुत मैंने उसको समझाया कि भाई स्मार्ट वॉच एक्चुअली क्या होती है, उसकी जरूरत क्या होती है, वो कौन यूज करता है, पहले उसको थोड़ा समझाया, तो कहीं ना कहीं वो समझा, लेकिन क्या है कि फिर देखते हैं कि उसके चेहरे पे कहीं इनसेटिस्फेक्शन तो लग ही रहा था। तो ये बाहर का जो प्रभाव है, तो वो और हमारा आचरण, वो बीच में कहीं ना कहीं संघर्ष रहता है बच्चों को लेकर। रहेगा ही, इसको स्वीकार किया जाए, कोई आदर्श की स्थितियां नहीं है, ये रहेगा, इसको स्वीकार किया जाए। और इसको यही स्वीकार किया जाए कि जब तक हम सामाजिक वातावरण को नहीं बदलेंगे, तो ये चीजें हमको लगातार सूचना देती रहेंगी कि कुछ और पुरुषार्थ करना शेष है, है ना। इसका मतलब है कि केवल मेरे परिवार के समझदार होने से काम नहीं चलेगा, पूरे समाज में ही समझदारी को बहना होगा। समाज में समझदारी को बहना होगा तो ये कुछ शिविरों के फॉर्म में जाएगा, कुछ एजुकेशन के फॉर्म में जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसमें जिस तरह से हमने पिछले 2-3 पीढ़ियों में ज्यादा ध्यान हमारा जिंदा रहने की तरफ गया, सुविधाओं की तरफ गया, अब एक बार अगली 2-3 पीढ़ियां जम के समाधान के लिए काम करेंगी। आखिर मेरा बच्चा घर से बाहर जाएगा, है ना, रोक नहीं सकते आप, इसका मतलब है। और बच्चा अपने पीयर से ज्यादा प्रभावित होता है, अपने साथ के बच्चों के खेलने वालों से, हम भी अपने साथ के लोगों से ज्यादा प्रभावित होते हैं।
इसका मतलब है कि वातावरण को ही बदलना होगा। वातावरण बनने के लिए जगह जगह शिविर हो, जगह जगह अध्ययन हो, हर घर में अध्ययन हो, तो जाके धीरे धीरे एक लेवल आएगा। जैसे वो जवान बच्चे हैं, यदि जवान बच्चे एक बार शिविर में ठीक से गुजर जाते हैं तो कम से कम संवाद करने की स्थिति बन जाती है। ये जो जिद करके अपनी बात मनवाना है, अभी पति गुस्से से अपनी बात मनवाता है, पत्नी रो के अपनी बात मनवाती है, बच्चे रो के जिद करके अपनी बात मनवाते हैं, ये सब घर में हो ही रहा होता है और इसी में सब क्योस बना रहता है। तो कम से कम यदि बच्चे जवान हो गए हैं एक शिविर से गुजरने के बाद और वो प्रक्रिया घर में चलने से आपस में थोड़ी सी तो बात करने की स्थिति आ जाती है। छोटे बच्चों को भी समझ में आ जाता है कि हम सुख की निरंतरता चाहते हैं, इसमें टेम्परेरी है, और कुछ कुछ बात आने लगती है छोटे बच्चों में भी, मैंने देखा। तो कुल मिला के सामाजिक वातावरण बदलने की जरूरत है, इससे कम में कल्याण नहीं होगा। और सर मेरा एक दूसरा क्वेश्चन ये था, ये जो शरीर से वंश परंपरा, मतलब मानव में वंश परंपरा विधि होती है, मतलब शरीर जो होता है वंश परंपरा से मिलता है, और जीवन जो होता है वो बॉडी को चलाता है। तो हमने देखा है कि कुछ कुछ कभी कभी बच्चों में माता पिता जैसी बॉडी लैंग्वेज आती है, बल्कि जीवन साथ में रह के आती है। जो जिस गुरु के चेले बनते हैं उसके जैसे कपड़े पहन लेते हैं, उसके जैसे टोपी लगा लेते हैं, मतलब कभी कभी बात करने का तरीका भी, तो जिससे हम प्रभावित होते हैं उसके, वो हमारे बॉडी लैंग्वेज में, भाषा में, भाव में, वेशभूषा में आ जाता है। ओके ठीक है। नमस्कार भैया जी। अब ये परिवार में जो फैमिली वार्मिंग के बारे में तो बहुत सारी चर्चा हो गई, तो हम जो नकारात्मक ऊर्जा हमारे किसी वजह से, द्वेष की वजह से, गुस्से की वजह से, या परिवार में टकराव की वजह से जो भी एनर्जी निकलती है, सारे परिवारों में से ऐसी निकलती है, मोहल्ले में निकलती है, तो ये सब एनर्जी बाहर निकल करके ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होती है या नहीं होती? होगी। भाई देखो, ग्लोबल वार्मिंग मतलब पोल्यूशन। पोल्यूशन किसी के माइंड में पहले होता है तब वो अनाज में जहर डालता है, किसी के माइंड में पहले होता है, बंटवारा पहले माइंड में होता है तब घर का बंटवारा होता है। कोई भी घटना मानव के साथ में घटती है विचार पूर्वक ही घटती है। तो ग्लोबल वार्मिंग में जो कुछ भी एक्शन हमने लिए हैं, पहले वो हमारे विचार में आए हैं तभी वो हमने एक्शन लिए। तो पहले पोल्यूट माइंड हो रहा है, कुल मिला के भ्रमित मानव के क्रियाकलाप में ग्लोबल वार्मिंग और फैमिली वार्मिंग। मानव अध्ययन पूर्वक जागृत होगा तो हम समस्याओं से मुक्त होंगे, इसके अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं है। तब तक गवर्नमेंट कुछ नियम बना दे और गवर्नमेंट कुछ इस तरह से बड़े स्टेप्स ले ले, तब तक कुछ उसको रोका जा सकता है। तो अपने परिवार व्यवस्था बनाए रखें, परिवार व्यवस्था को, सामाजिक वातावरण बदले बिना हमारे परिवार का वातावरण भी नहीं बदलता है जी। परिवार में हम चार लोग सोचें कि बहुत कुछ कर ले जाएंगे, हम सोचें कि वीकली बैठ लेंगे, यदि परिवार के लोगों को बैठना है तो परिवार के लोगों में आपस में हो ही जाता है क्या बैठना, सभी एक दूसरे को जानते ही हैं, रोज घर में बातचीत करते ही हैं, निकट दोष आ जाता है। लेकिन वीकली घर में बाहर से कोई फैमिली आके हमारी फैमिली के साथ में बैठेगी तो हमारा बैठना भी हो जाता है और घर की शेयरिंग भी हो जाती है। तो अपने परिवार की गति के लिए आसपास के 10 परिवारों के लिए वातावरण बनाना हमारी जरूरत है। हमारे परिवार के चलने के लिए हमारे आसपास के 10 परिवारों को का चलना हमारी जरूरत है जी। जी हेलो सर, नमस्ते। मैं यहाँ पे आई जब मैं और मेरे हस्बैंड, तो बहुत कुछ लेके आए थे, लेकिन 6 महीने हमारा प्रयत्न बहुत रहा, हम लगातार इसमें जुड़े हुए हैं। तो अभी ऐसे, पहले तो ऐसा था कि हमारे दोनों की दिशा ही अलग थी, अभी एक यही माध्यम है कि दिशा एक ही चल रही है। बढ़िया। तो अभी क्या है कि हम दोनों तो लगे हुए हैं, हमारे मेरे सास ससुर हैं और बच्चे भी हैं, तो बीच में कहीं हम उन दोनों को संभाल नहीं पा रहे। वो लोग जो कहते हैं उनके मान्यता के अनुसार वो रहते हैं, और आपको जो लगे वो ठीक करो, हम तो ऐसे ही रहेंगे, और बच्चे हैं कितने पहले आप सुधर जाओ वो ही रहता है। तो अभी क्या रहता है कि हम दोनों ने तो बहुत पा लिया, मतलब यात्रा शुरू कर दी है और आगे तक जाएंगे अपनी ही कृपा से। तो अभी इन घर में ऐसा माहौल कैसे बनाए, वो लोग नहीं समझ रहे, बच्चे लोग नहीं समझ रहे। नहीं, इसको ऐसा कहें कि हम नहीं समझा पा रहे। हाँ वैसा भी है, हम नहीं समझा पा रहे। एक,
और उनके ना समझने से हम भी काफी प्रभावित हो रहे हैं दो, तो मेरे को लगता है कि इस चीज को भी स्वीकारा जाए कि शरीर हमसे मिला है, जीवन इंडिपेंडेंट है। तो परिवार में हमारी ये भी स्वीकृति हो कि कोई इस दिशा में ना भी चलना चाहता हो तो हम उसको स्वीकारेंगे। ये क्या कर रहा है, कोई घर में कोई बाटली खोल के तो नहीं पी रहा है, ऐसा तो कोई काम नहीं कर रहा है, इतना ही है कि थोड़ा पढ़ने का समय, थोड़ा उठने का समय, कुछ चीजें, तो कुछ चीजों में हम लिबरल हो सकते हैं। तो बच्चे बड़े हो गए हैं, थोड़ा सा उनको भी अपनी स्वतंत्रता के साथ में रहने दिया जाए, हम ठीक से जिए और जहां उनके साथ में पॉजिटिव कनेक्ट हो सकता है वो पॉजिटिव कनेक्ट बनाए। और 6 महीने कोई खास बात नहीं है, 6 साल भी लग जाए तो क्या करें, अपनी गति करें, अपनी गति करें, उससे कोई वातावरण बनेगा। और जैसा कि अपन चर्चा कर रहे हैं, अपने मोहल्ले के, अपने आसपास के 10 परिवारों को शामिल करें, वो 10 परिवारों के वातावरण को देख के हमारे बच्चे शामिल हो जाते हैं। कई बार हमारे बच्चे हमको देख के शामिल नहीं होते हैं, लेकिन एक वातावरण बन जाता है तो उस वातावरण में शामिल होते हैं। जैसे हम लोगों ने जब शुरू किया तो हमारे बच्चे छोटे थे, जब तक हमारे बच्चे बड़े हुए तो उनके स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर शिविर में आने लगे, वो कॉलेज में गए तो उनके कॉलेज के प्रिंसिपल और टीचर शिविर में आने लगे, वो और बड़े हुए तो उस राज्य के मंत्री और IAS ऑफिसर शिविर करने लगे। तो जहां जाते थे शिविर पहले पहुंच रहा था, हमने कभी उनसे नहीं कहा कि तुम शिविर करो, लेकिन वो जहां जा रहे थे शिविर वहां पहले पहुंच रहा था। तो इसका प्रभाव ये हुआ कि सबकी, हमारे सारे बच्चों की शिविर के लिए बहुत कंटेंट के लिए बहुत अच्छी स्वीकृति, और सारे बच्चे अपनी अपनी ताकत के अनुसार इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और सारे बच्चे तमाम जो कुछ भी हाईएस्ट एजुकेशन हो सकता है ना, वो सारी एजुकेशन करने के बावजूद भी एक बढ़िया जीवन शैली में अपने आप को लेके आगे चल रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि कहने की आवश्यकता नहीं है, बच्चे बहुत शार्प हैं, बच्चे बहुत सूक्ष्म ऑब्जर्वेशन करते हैं, केवल आप समझें, आप जिए और सबको प्यार दें, सबको सुधारने की कोशिश ना करें। हमारे माँ बाप होने के नाते हमारी प्रैक्टिस है सबको सुधारने की, तो हम सुधारने विद्यार्थी हो जाएं, सुधारने का काम करें, सुधारने के लिए छोड़ दें। थैंक यू जी। हाँ, सो ये जो माध्यम आपने अभी जिन्होंने जो अपना प्रॉब्लम प्रकट किया या जो उनका जो समस्या है, सेम वे अगर हम जहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे लोग, हर आदमी जहाँ से आता है, एंड अगर ये फ्यूचर है जो हमने जान लिया, फ्यूचर तो यही है, कोई लोग जल्दी सीखेंगे, कोई लोग बाद में सीखेंगे, कोई लोग को शायद जिंदगी निकल जाएगी लेकिन शरीर चला जाएगा, लेकिन अगली पीढ़ी सीखेगी। बिल्कुल। तो जब हम बोलते हैं कि हम उनको इन्फ्लुएंस डायरेक्टली नहीं, पर हमारे आचरण के थ्रू उनको इन्फ्लुएंस होना चाहिए। देखो, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमारा आचरण और हमारे परिवेश के 4 परिवार। क्या होता है कि जैसे मान लो अभी हमारे मित्र थे, है ना, वो सामने बैठे हैं, तो एक हमारे मित्र ध्वनित हैं अहमदाबाद के, वो इस बात से प्रभावित हुए तो उनका एक बड़ा प्रभाव क्षेत्र है, तो बहुत सारे लोग उनके कारण मान लो शिविर में आए। मैं बोलता तो नहीं आते, हो सकता है दर्शक भाई बोलते तो नहीं आते, तो क्या स्थिति है, कान इधर से नहीं पकड़ा जाएगा तो घुमा के पकड़ा जाएगा। तो काम की स्थिति ये बनी कि यदि वातावरण बदलने लगता है, तो यदि आपके परिवार का बच्चा देखता है कि आपके मोहल्ले पड़ोस के या 4 लोग और आके इस बात की चर्चा करते हैं और ये रेगुलर इस तरह की बातें करते हैं और इनमें से पहले से इनके आचरण में भी कोई चीजें बदल रही हैं, वो बोलेगा कुछ नहीं लेकिन ऑब्जर्वेशन में ये आ जाएगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज में आपके प्रति एक्सेप्टेबिलिटी आती रहती है। और हमारे भी चेंजेस एक दिन में नहीं आते हैं, हमको भी थोड़ा समय लगता है, लेकिन मेरे को लगता है कि हम अपने भीतर में विद्यार्थी मोड में आ जाएं, हम वो जो पेरेंटिंग करने लगते हैं वो उनको स्वीकार नहीं है, तो मेरे को लगता है कि अब वो पर्याप्त समझदार मान के अभी की स्थिति में उनको थोड़ा सा छोड़ दिया जाए, जब तक वो नहीं पूछे तब तक कोई विशेष सलाह देने की जरूरत नहीं है, और अपने में ठीक से मेहनत किया जाए, अपने आजू बाजू के वातावरण को बदला जाए, हमारे यहाँ कौन लोग आते हैं, किस तरह की बात करते हैं, ये सब बच्चे देख रहे हैं, यदि उसको देख के एक वातावरण बदलेगा, धीरे से चीजें कहीं ना कहीं से कनेक्ट हो जाती। तो मेरा क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन ये था कि ज्यादा इसके बारे में बात करने से भी कभी कभी बात बिगड़ती है, बिल्कुल ठीक, बिकॉज ये जो MLM है, ये जो अलग अलग कंसेप्ट है, देन कुछ बेचने की बात हो रही है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। चलिए, काफी सारी
क्वेरीज आई, काफी सारी बात आपने की, तो मैं सोचता हूं कि अब मैं कंटेंट को आगे ले चलूं। तो विवाह को लेके हमारी क्लैरिटी हो गई, मेरे को लगता है कि विवाह को लेके क्लैरिटी हो गई है, तो फिर सारी बातें धीरे धीरे हम करते हैं। तो अब ये समझ में आया कि परिवार का लक्ष्य क्या है, तो परिवार क्या चीज है, तो परिवार के लिए बोल रहे हैं कि परिवार की परिभाषा क्या है। परिवार की परिभाषा है, हेलो भैया, कि समाधान और समृद्धि पूर्वक, समाधान और समृद्धि पूर्वक जीता हुआ निश्चित मानव समूह। हेलो भैया, कहाँ है? जी जी, मैं पहली बार शिविर में आया हूँ। कहाँ से? विसनगर से। विसनगर से। मैं दो दिन पहले आपसे मिला था, वहाँ पे आपकी चेयर पे आके मैं मिला था। ये जो आपने ज्ञान दिया बहुत बढ़िया दिया है, लेकिन कंफ्यूजन यह है कि मैं जो भक्ति मार्ग में जुड़ा हुआ हूँ वहां पे भी 80% ये चीज आ जाती है। तो मानव को पहचानने की जो बात है, जीवन की बात है, वो उसमें आ जाती है। तो मैं अभी ये कार्य करूं कि वो कार्य करूं? परिचय शिविर 5 बार, वो तो बराबर है। 5 बार करने के बाद में आप तय कर लेंगे। ओके ओके। वो जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसमें एक उपदेश है, ऐसा जीना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, और कुछ जो भी होगा जो मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन उससे पॉजिटिव पार्ट ये होगा, उससे पॉजिटिव पार्ट ये होगा कि अपने, जैसे मान लो हम किसी एक मार्ग पे चलते हैं, जैसे कोई साधना परिवार के सारे लोग कर पाए ऐसा कहना मुश्किल है। पति किसी साधना में लग जाता है, पत्नी उसी साधना से परेशान होती है, सामान्य अमूमन ये भी होता है, या पत्नी किसी चीज में लग जाती है, सारे लोग तो उसमें नहीं लगते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि उसको आप बनाए रखिए, उसमें जो कुछ भी अच्छा मिलता है करते रहिए। पैरेलल शिविर का, शिविर से समझने का काम, और बेसिकली ये एजुकेशन मॉडल तो बराबर है। तो बेसिकली मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि एजुकेशन मार्ग है, मैं आने वाला भी हूँ। मतलब ये सभी के लिए है। कल 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 अभी हम ये इंतजार, आने वाले पीढ़ी में हमको ये इंतजार नहीं करना होगा कि आदमी 40 साल का होगा तब शिविर में आएगा। अभी अब स्थिति ये बन जाएगी, यदि धीरे से किसी मोहल्ले में ठीक से काम हो गया तो उसके मोहल्ले में ही आने वाली बच्चों के लिए हम कुछ बेहतर बात करने की स्थिति में आ जाएंगे। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि बच्चे, कोई व्यक्ति हिंदू है कि मुस्लिम है कि सिख है कि ईसाई है, भारतीय है कि अमेरिकन है। तो कोई एक बात ऐसी जिसमें कि धरती के सभी लोगों से एक साथ बात की जा सकती है, बिना किसी चिन्ह और प्रतीक के बात की जा सकती है, शुद्ध रूप से विज्ञान के स्वरूप में तर्कपूर्वक बात की जा सकती है, ये बहुत दूर तक जाएगा। बाकी जो चीजें आपने, कहीं से कोई अच्छी चीज मिल रही है उसमें कोई बुराई नहीं। नहीं, आपने जो कहा वो बुरा नहीं है, लेकिन जो आपने जो लॉजिकली समझाया है, साइंस समझाया है, वही जो भक्ति मार्ग में भी साइंस ही है, सेम साइंस है, 80% साइंस है और जीवन की बात है। तो अभी मेरे लिए दुविधा हो गई है कि मैं अभी उसको चालू रखूं कि छोड़ दूं। आप ही तय करें। हाँ, आप ही तय करें ना। मैंने तो तय कर लिया है कि मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आऊंगा, ज्यादा समझूंगा, यही मैंने तय किया है। लेकिन प्रश्न था तो मैंने पूछा था। नहीं नहीं, ठीक है। तो उचित यही है कि कोई नई चीज, देखो वो तो अपनी चीज है ही है, अपने पास है ही है, उससे जो हमको मिला है मिला ही है। मेरा पूरा परिवार उसमें जुड़ा हुआ है अभी। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। अब ये भी साथ साथ कर सकते हैं कि इसको भी समझने का काम साथ साथ जारी रखें। ओके ओके, है ना। और दोनों को साथ लेके चलें, दोनों में जो अच्छाइयां होंगी वो अपने काम आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच जी। हाँ जी, अभी जब हम परिवार की बात कर रहे हैं तो परिवार को परिभाषित किया कि समाधान और समृद्धि के साथ में जीता हुआ निश्चित मानव समूह। जब हम परिवार की बात कर रहे हैं तो यहाँ ब्लड रिलेशन की बात कर रहे हैं। इसका मतलब अभी परिवार की परिभाषा क्या है? अभी गरीबी और अमीरी के साथ जीता हुआ निश्चित मानव समूह, और निश्चित की संभावना भी काफी अनिश्चित हो गई है ना,
क्योंकि दिल्ली में तो ऐसे बहुत परिवार मिलेंगे जहां परिवार का एक बच्चा परिवार से अलग दिल्ली में ही रूम लेके रहता है क्योंकि परिवार के साथ उसका नहीं बनता है। ऐसे बड़े शहरों में ये सब काफी कॉमन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो परिवार है उसका स्वरूप भी निश्चित नहीं है, वो बदलता ही रहता है और घर में भी रह के काफी कुछ चीजें उठापटक हो ही रही। तो ये रही परिवार की परिभाषा। अब हम यहाँ भी आते हैं कि जैसे कितने प्रकार के परिवार होते हैं और सही अर्थों में परिवार का स्वरूप क्या है। ऐसा बोलते हैं कि लंदन में आपने किसी से पूछ लिया, किसी ब्रिटिश से, कि आपके माँ बाप आपके साथ रहते हैं, तो ये बहुत असभ्य क्वेश्चन है। हाँ, ऐसा पूछना असभ्यता है क्योंकि वहां के कल्चर में ही ऐसा नहीं है कि माता पिता साथ रहते हैं, ऐसा लोग बताते हैं। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि हम फैमिली, जैसा कि आपने किसी ने कहा कि फैमिली किसको बोल रहे हैं, तो अब ये समझ में आया कि एक फैमिली वो थी जिसको हम ज्वाइंट फैमिली बोल रहे हैं, एक फैमिली वो है जिसको हम न्यूक्लियर फैमिली बोलते थे, माता पिता बच्चों के साथ में रहते हैं। अब माता पिता बच्चों के साथ में रहते हैं ये पुराना मॉडल हो गया, नया मॉडल अब ये आ गया कि पत्नी बच्चों के साथ रहती है या पति बच्चों के साथ में रहता है, इसको न्यूक्लियर फैमिली बोल रहे हैं, जिसको हम न्यूक्लियर बोल रहे थे उसको ट्रेडिशनल न्यूक्लियर फैमिली बोल रहे हैं। तो एक स्टेप आगे निकला है। और आदमी परिवार से अलग रहता है तो वन मैन फैमिली, और वन मैन फैमिली का मन नहीं लगेगा तो वो कुत्ता बिल्ली पाल लेगा, कुछ हो रहा है तो ह्यूमन एनिमल फैमिली, और कहां तक जाएंगे अभी पता नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक परिवार का लक्ष्य नहीं है तब तक उसका साइज भी तय नहीं है, तब तक उसमें रिलेशनशिप भी तय नहीं है। अब पता चल गया कि समाधान और समृद्धि मानव जो है जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में है, इसलिए जीवन और शरीर दोनों की आवश्यकता परिवार में पूरा हो जाए, इसका नाम परिवार है। तो परिवार का मतलब है कि वहां परिवार के बड़े लोग समाधान और समृद्धि के साथ जी रहे हैं और बच्चों को समाधान और समृद्धि पूर्वक जीने का स्वरूप अपने ही परिवार में दिखाई देता है, तो जिंदगी उसको अपने ही परिवार में दिखाई देती है। तो ये बात हमारे ध्यान में आ गई कि एक परिवार का स्वरूप क्या होगा। फिर परिवार में संबंध का स्वरूप क्या होगा। तो संबंध क्या है, संबंध की परिभाषा है पूर्णता के अर्थ में अनुबंध संबंध है, पूर्णता के अर्थ में अनुबंध का नाम संबंध है। ये पूर्णता के अर्थ में अनुबंध, पूर्णता क्या है, पूर्णता को यदि पूरे दर्शन को देखें तो तीन शब्द में ही कहा गया है। इस दर्शन में क्या ऐसा नया है जिससे कि इसके अनुसंधान की आवश्यकता पड़ी, क्या ऐसा है जो पहले नहीं कहा गया जो अभी कहा जा रहा है, तो उसको समझेंगे। तो तीन ही बात कही जा रही है। एक कहा जा रहा है गठन पूर्णता, गठन पूर्णता से क्रिया पूर्णता, क्रिया पूर्णता से आचरण पूर्णता। गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता। गठन पूर्णता कहां से आ गई, गठनशीलता से गठन पूर्णता। तो गठनशील का मतलब है जड़ परमाणु, गठन पूर्ण का मतलब है चैतन्य परमाणु, मतलब जीवन। जीवन आ गया, जीवन क्रिया पूर्णता का मतलब है जीवन है और जीवन भ्रमित है, यहां जागृत जीवन। जागृत जीवन का मतलब है अनुभव संपन्न, है ना, समझ पूरा हो गया। और यहां आचरण पूर्णता का मतलब है परिवार में, परिवार में आचरण को प्रमाणित करना, समाज में आचरण को भय मुक्ति के अर्थ में प्रमाणित करना, प्रकृति में प्रमाणित करना, इस बीच में शिक्षा में व्यवस्था में प्रमाणित करना, ये आचरण की पूर्णता है। तो बेसिकली गठनशीलता से गठन पूर्णता प्राकृतिक विधि से हो गया, इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। जड़ परमाणु विकास पूर्वक चैतन्य हुआ है, इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है, ये नेचर में हुआ है। अब मैं गठन पूर्ण परमाणु, मैं जीवन हूं और मैं एक शरीर को चलाता हूं, इस शरीर के माध्यम से मैं क्रिया पूर्ण हो जाऊं। क्रिया पूर्ण का मतलब है दसों क्रियाओं का व्यक्त होना।
अभी 4.5 क्रिया व्यक्त होती है, 10 क्रियाओं का व्यक्त होना, ये क्रिया की पूर्णता है, व्यक्त होना, 10 क्रियाओं का व्यक्त होना। 10 क्रियाओं का व्यक्त होने का मतलब है समझ की पूर्णता, और फिर आचरण का मतलब है उस समझ को, इसका मतलब है समाधान संपन्नता। तो समाधान को परिवार में प्रमाणित करना, समाज में और प्रकृति में प्रमाणित करना, इतनी हमारी कुल यात्रा है। इसी को कह रहे हैं अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था। फाइनली कहां पहुंच गए? अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था, इसी को बोल रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम्। इसी को बोल रहे हैं वन अर्थ वन फैमिली, वन अर्थ वन फैमिली। इसी को बोल रहे हैं मानव लक्ष्य को साकार करना। तो कितने लोगों के ध्यान में पूरी यात्रा आ गई? कितने लोगों के ध्यान में पूरी यात्रा आ गई, है ना? हाथ तो उठाओ, हाथ उठाने में सुस्ती हो रही है ना? तो हमारे ध्यान में ये आ गया कि बेसिकली मैं जीवन एक गठनपूर्ण परमाणु हूं, या मैं जीवन एक चैतन्य इकाई हूं, मुझ में 10 क्रिया है, स्वयं को शरीर मानते हुए 4.5 क्रिया व्यक्त होता है, 5.5 क्रिया चुप रहता है। ये 5.5 क्रिया का चुप रहना ही हमारे जीवन की उदासी है, यही हमारी अक्षमता है, यही गुस्सा है, यही सारी असफलता है। ये 5.5 क्रिया भी व्यक्त हो जाए, 10 क्रिया व्यक्त हो जाए, इसका नाम क्रिया पूर्णता है। और 10 क्रिया व्यक्त हो गई, इसका मतलब है कि संपूर्ण समझ में आ गया, मैं समाधान संपन्न हो गया। समाधान संपन्न हो गया तो समाधान का परिवार, समाज और अस्तित्व में प्रमाणित होने का नाम आचरण की पूर्णता है। तो ज्ञान आचरण पूर्वक प्रमाणित होता है, ज्ञान आचरण पूर्वक प्रमाणित होता है, आचरण का मतलब है परिवार में आचरण, शिक्षा पूर्वक प्रमाणित होता है, व्यवस्था पूर्वक प्रमाणित होता है, ये जीने की जगह है। यह आपको नहीं मिलेगा, मतलब जो अब तक जो कुछ भी हमने किया है उसमें मानव का अध्ययन पूरा नहीं हो पाता है, शिक्षा पूर्वक मानव जागृत हो सकता है ऐसी बात हम नहीं कर पाते हैं, ये लोकतंत्र जैसा चल रहा है, ये व्यवस्था जैसी चल रही है, ये भी प्रॉब्लमेटिक है, तो इसका भी कोई समाधान हो सकता है, तो इसका भी समाधान निकल के आता है, उसकी चर्चा प्राइमरी शिविर में नहीं करते। जब बुक्स में जाते हैं तो उसकी चर्चा विस्तार से आ जाती है। बढ़िया, तो क्या समझ में आया? संबंध क्यों हम साथ साथ हैं? एक घर में हम क्यों साथ साथ हैं? क्रिया पूर्णता के लिए, आचरण पूर्णता के लिए। तो क्रिया पूर्णता हो जाए, आचरण पूर्णता हो जाए, इसके लिए हम परिवार में हैं। तो बेसिकली इसी को कहा विश्वास की पूर्णता, इसी को कहा स्वयं के प्रति विश्वास, आत्मविश्वास, है ना? तो मैं विश्वास की पूर्णता को पा जाऊं, मैं स्वयं के प्रति विश्वास की पूर्णता को पा जाऊं, तो इसके लिए ये पूरी यात्रा है। तो संबंध का मतलब समझ में आ गया, है ना? क्यों हम साथ साथ हैं एक फैमिली में, इसका पर्पस क्लैरिटी आ गई। अब कहा कि देखो 7 प्रकार के संबंध होते हैं, क्या? एक संबंध जिसको हम कह रहे हैं माता पिता और बच्चे, दूसरा संबंध है पति पत्नी, तीसरा संबंध है
भाई बहन, चौथा संबंध है मित्र मित्र, पांचवा संबंध है गुरु शिष्य, छठा संबंध है साथी सहयोगी कि नौकर मालिक, तो साथी सहयोगी। ये छह संबंध में सारे संबंध आ गए। अब चाचा किसमें आएगा? चाचा, ताया, फूफा, माता पिता और बच्चों के संबंध के स्वरूप में है ना। चाची किसमें आएगी? माता स्वरूप में है। हेलो जी, हेलो। बोर्ड पे जो सात प्रकार के संबंध लिखे हैं, हाँ, लाइन में आपने छह लिखे। हाँ, रुके ना, इसलिए रुका हूँ। राज है, वो राज की बात है, राज की बात है। तो सातवां संबंध है जिसके ना पता होने के कारण हमारे ये छहों संबंध असफल है। अभी ये छह संबंध सफल है कि असफल है? अभी छहों संबंध असफल होते हैं। कोई संबंध ऐसा नहीं है जिसमें ता उम्र कोई गिला सिखवा शिकायत नहीं है। क्यों सारे संबंध हर परिवार में असफल हो गए? क्यों असफल हो गए? क्योंकि सातवां संबंध सारे संबंधों को आधार देता है, सारे संबंधों की क्लैरिटी देता है। तो सातवें संबंध को नहीं पहचाना तो सातवां संबंध नहीं है, वो पहला संबंध है, उसके बाद ये छह संबंध हैं। तो बेसिकली सातवां संबंध है व्यवस्था, समग्र व्यवस्था संबंध। ये सातवां संबंध है व्यवस्था, समग्र व्यवस्था संबंध। मतलब क्या मतलब हुआ? व्यवस्था, समग्र व्यवस्था संबंध का मतलब है कि हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है, हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है, व्यवस्थित है, तो वो समग्र में भागीदार है। समग्र में भागीदारी को पहचानता है, इसका मतलब अपनी जिम्मेदारी को पहचानता है। क्या पहचान लिया? स्वयं में व्यवस्थित होने का प्रमाण क्या है? स्वयं में व्यवस्थित होने का प्रमाण है कि वो मानव लक्ष्य को स्वीकारे हुए है, वो मानव लक्ष्य को स्वीकारे हुए है, ये स्वयं में व्यवस्था है। मानव लक्ष्य के अर्थ में माता पिता अब बच्चों के साथ क्या करेंगे? मानव लक्ष्य के अर्थ में बच्चे माता पिता से क्या अपेक्षा करेंगे? पति मानव लक्ष्य के अर्थ में पत्नी से क्या अपेक्षा करेगा? पत्नी मानव लक्ष्य के अर्थ में क्या अपेक्षा करेगी? तो मानव लक्ष्य के अर्थ में सारे संबंध परिभाषित होते हैं। ये क्लैरिटी ना होने से हमारे सारे संबंध ध्वस्त, कहीं आर पार हो गया है, कहीं हम मैनेज कर रहे हैं, है ना। लेकिन ये बात पकड़ने की है। तो जो बात, मूल बात क्या है? स्वयं की, स्वयं के साथ उपयोगिता। यदि मैं स्वयं में उपयोगी नहीं हुआ, स्वयं में समाधानित नहीं हुआ, तो मैं दूसरों के साथ जीने का जो भी कोशिश करता हूँ उसमें अपेक्षाएं सेट नहीं होती, और अपेक्षाएं टूटती हैं तो हम दुखी होते हैं। तो हमको सही अपेक्षा करना नहीं आता है, तो या तो हम अति अपेक्षाएं करते हैं या हम अपेक्षा शून्य होने की कोशिश करते हैं। दोनों ही प्रैक्टिसेबल नहीं है। सही अपेक्षा कैसे करेंगे? मानव लक्ष्य के अर्थ में अपेक्षाएं सेट होती हैं, क्योंकि कोई तो चीज को पहचानना पड़ेगा ना। निश्चित जो ध्रुव है, जो निश्चित है, मानव लक्ष्य अपने आप में निश्चित है। तो मुझमें सुखी होने की चाहना मेरे जन्म के पहले से तय है, और उस सुख को पाने का तरीका मेरे पैदा होने के पहले से तय है। तो इस अर्थ में जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि इसको हम पहचान पाए तो हम मानव हुए, मानव हुए तो मानव के साथ जीने की योग्यता आई,
तो हम सभी संबंधों में ठीक से जी पाए। बढ़िया, ये बात पहुंची है ना। बहुत सारी बातें हमने पहले से की हैं, केवल मैं उनको प्लेस कर रहा हूं। तो इससे ये पता चला कि मानव मानव की परस्परता में मानव मानव की परस्परता में सात संबंध है। अब आगे चर्चा करते हैं कि मानव मानव की परस्परता में मानव मानव के बीच में नौ स्थापित मूल्य है। उसमें पहला मूल्य है विश्वास। हाँ जी, बोर्ड पे आपको दिख रहे हैं? हाँ जी, पहले इसको थोड़ा बड़ा करके दिखा दो। तो देखिए, मानव मानव की परस्परता में नौ स्थापित मूल्य हैं। स्थापित मूल्य मतलब जो मानव में स्थिर रहता है, बना ही रहता है, और आवश्यकता, स्थिति और गति आवश्यकता अनुसार जो वो व्यक्त होता है तो उसको शिष्ट मूल्य कहा है। तो स्थापित मूल्य अपने आप में बना रहता है, और जब वो व्यक्त होता है दूसरे मानव के साथ तो उसको शिष्ट मूल्य बोलते हैं। शिष्ट मूल्यों को ही मिला के शिष्टाचार बोलते हैं ना, शिष्टाचार। तो यही शिष्टाचार है। तो क्या मतलब हुआ? पहला स्थापित मूल्य है कृतज्ञता, और कृतज्ञता सौम्यता के रूप में व्यक्त होता है। कृतज्ञता का मतलब है प्राप्त सहायता उपकार के प्रति स्वीकृति, प्रसन्नता व निरंतरता की स्वीकृति। तो किसी से मेरे को सहायता मिली है। अब देखो, सहायता दोनों बात हो सकती है। किसी से मेरे को जिंदा रहने के अर्थ में सहायता मिली है, अभी जीने की बात नहीं है। तो किसी से मेरे को जिंदा रहने के अर्थ में सहायता मिलती है तो उसके प्रति मेरा कृतज्ञता का भाव होता है कि नहीं? लेकिन वो कृतज्ञता का भाव कैसा रहता है? वो निरंतर होता है कि सामयिक होता है? कुछ समय के लिए होता है। किसी ने 1947 में मेरी जॉब लगवाई थी, किसी ने मेरे को पैसे की जरूरत थी, पैसा दिया था। तो यदि मेरे में चेतना विकसित नहीं है, यदि मैं जिंदा रहने के धरातल पर जीता हूं, तो मेरे भाव भी भौतिक वस्तु के साथ में जुड़े हैं। और जो हमने पहले चर्चा किया था, भौतिक वस्तु परिवर्तनशील है, इसलिए भाव भी परिवर्तनशील है। इसलिए जिस समय मेरे को काम होता है उस समय मेरा बहुत भाव आता है, और मेरा काम निकल जाता है, फिर मैं दूसरी चीजों में लग जाता हूँ और मेरा पुराने चीजों के प्रति भाव नहीं रहता। तो यहाँ से हमको ये समझ में आया कि जब हम अभी कृतज्ञता की बात कर रहे हैं तो कृतज्ञता का मतलब है मेरे जिंदा रहने के अर्थ में स्वीकृति है तो उसके प्रति भाव निरंतर नहीं होता है। जिन लोगों से मेरे जीने के अर्थ में स्वीकृति मिली है, जीने के अर्थ में सहयोग मिला है, मेरे को समझ मिला है, वो समझ मेरे साथ हमेशा रहता है। समझ हमेशा रहता है इसलिए भाव भी हमेशा रहता है। तो ये एक बात हमारे ध्यान में आई कि क्यों अभी हम बुजुर्ग लोग या बड़ी उम्र के लोग गिला शिकवा शिकायत के साथ पहचाने जाते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमने बहुत सारे लोगों को बहुत सहयोग दिया, लेकिन आज उनकी बॉडी लैंग्वेज में, आज उनके जीवन में उस सहयोग के प्रति कोई स्वीकृति का भाव नहीं है, उनके वो कृतज्ञ नहीं है, है ना? तो क्यों कारण है? हमारा सहयोग किसी भौतिक वस्तु के अर्थ में था। यदि सहयोग ही सीमित था तो भाव भी सीमित ही रहेगा। तो अब हमको ये समझ में आएगा कि भौतिक वस्तु के अर्थ में यदि किसी को सहयोग दिया है, जिस समय सहयोग दिया था उस समय उसने भाव व्यक्त किया ही था, उससे हम निरंतर भाव की अपेक्षा नहीं कर सकते। बात पहुंची? क्यों रिलेशनशिप खराब होते हैं? क्योंकि सहयोग देने वाला ये अपेक्षा करता है कि जिंदगी भर वो उस एहसान में दबा रहे और उसको व्यक्त करे, और सामने वाला ऐसा कर नहीं पाता है। तो इससे ये समझ में आया कि हमने सामने वाले को क्या सहायता दिया है। जिंदा रहने के अर्थ में सहायता दिया है कि जीने के अर्थ में सहायता दिया है? जीने के अर्थ में मिली सहायता पीढ़ी दर पीढ़ी याद रहती है। जिन महापुरुषों ने हमारे साथ डायरेक्टली कोई काम किया हो ऐसा हमको याद नहीं है,
फिर भी हम उनके प्रति कृतज्ञ होते हैं, क्योंकि श्रेष्ठ आचरण की स्वीकृति हर मानव में है ही। पूरे विश्व में कोई भी व्यक्ति यदि किसी श्रेष्ठ आचरण के साथ हुआ है, उसका सम्मान हम करते हैं, क्योंकि उसकी स्वीकार्यता हमारे भीतर पहले से रहती है। तो इस रूप में हम देखें तो एक हमारी क्लैरिटी बनी कि कृतज्ञता क्या है, प्राप्त सहायता, सहायता और उपकार का क्या मतलब है। सहायता का मतलब है जिंदा रहने के अर्थ में, उपकार का मतलब है जीने के अर्थ में। तो बोलचाल की भाषा में दो शब्द हम प्रयोग करते हैं, सेवा और उपकार। सेवा का मतलब है जिंदा रहने के अर्थ में सहायता है ना, और उपकार का मतलब है जीने के अर्थ में सहायता है। तो प्राप्त सहायता, उपकार के प्रति स्वीकृति, प्रसन्नता व निरंतरता की स्वीकृति। यदि एक मानव जीने के धरातल पर होगा और उसको जिंदा रहने के अर्थ में भी कोई योगदान मिला है, तो भी उसके भीतर उसकी स्वीकृति हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि उसके भीतर अपने अपने भाव और विचार में निरंतरता है। इसलिए जो जिंदा रहने के अर्थ में भी स्वीकृति मिली है और उसको कृतज्ञ रहना आता है, उसके भीतर वो कृतज्ञता के भाव की पकड़ है, तो उसके भीतर वो स्वीकृतियां निरंतर भी हो सकती हैं। इसका 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 जब मैं किसी के प्रति कृतज्ञ हूं तो उसके साथ कैसा व्यक्त होऊंगा, जब मैं किसी के प्रति कृतज्ञ हूं तो उसका क्या, स्वयंस्फूर्त प्रणाली पद्धति से स्वयं का नियंत्रण, तो उसके साथ में नियंत्रित होता हूं, उसके साथ में अहंकार से व्यक्त नहीं होता हूं, है ना, उसके साथ साथ मेरा बॉडी लैंग्वेज में नियंत्रण बना रहता है। तो इस अर्थ में कहा कि उसकी उसकी अभिव्यक्ति सौम्यता के रूप में होती है। तो क्या समझ में आया कि जिस व्यक्ति के प्रति मेरे भीतर कृतज्ञता का भाव होता है, उस व्यक्ति के प्रसाद जब मैं प्रस्तुत होता हूं तो उसका नाम सौम्यता है ना। तो कहते हैं ना, इस व्यक्ति का आचरण सौम्य है। सौम्य है मतलब कृतज्ञता के भाव से प्रस्तुत होता है। तो इस रूप में हमने पहचाना कि मानव मानव के बीच में, तो संतान के पास सबसे पहला भाव क्या आएगा, संतान इस बात को पहचाने कि मेरे माता पिता ने मेरे जिंदा रहने के अर्थ में तो सहयोग दिया ही है मिनिमम, है ना, और यदि जीने के अर्थ में दिया है तो और बात पूरी हो गई। लेकिन अभी की स्थिति कैसी है, अभी क्यों हम एक दूसरे के प्रति कृतज्ञ नहीं है। कल भी ये बात आई थी कि अभी की स्थितियां ऐसी हैं, हम टेकन फॉर ग्रांटेड मानते हैं, पत्नी है तो उसका ये कर्तव्य ही है कि वो ऐसा करे, बेटा है तो उसका कर्तव्य ही है कि वो ऐसा करे, सास है तो उसको ऐसा करना ही चाहिए, बेटा है तो उसको करना ही चाहिए, पति है तो उसको करना ही चाहिए, है ना, सहयोगी है तो उसको ये करना ही चाहिए। क्योंकि हमारी मानव के रूप में समझ नहीं है, क्योंकि हम में स्वयं में मानव लक्ष्य की स्वीकार्यता नहीं है, तो मेरे को लगता है कि लक्ष्य के आधार पर हम एक दूसरे को स्वीकारते हैं। कैसे, यदि मेरे को जिंदा रहना है तो मेरे को पता है कि मैं पैसे से जिंदा रहूंगा तो मेरे को आदमी की जरूरत कहाँ है। देखो पति लोग नाराज मत होना, जब पति गुस्सा होते हैं तो पत्नियों को अक्सर ये बोल देते थे पहले, अब तो थोड़ा जमाना बदल गया है, तुम घर से निकल जाओ। तो इसका मतलब है कि पति ने ये माना हुआ है कि घर उसका है, तभी तो निकलने के लिए बोल रहा है ना, जबकि उसने ये नहीं स्वीकारा है कि जो सब कुछ छोड़ के तुम्हारे घर में आ गया है उसका भी अब घर पे उतना ही हिस्सा है। लेकिन ऐसा माना कहाँ है, ऐसा स्वीकारा कहाँ है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमने जिंदा रहने को लक्ष्य माना है और जिंदा रहने का काम पैसे से होता है और मैं पैसा कमाता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ, दूसरे मेरे ऊपर निर्भर हैं इसलिए मैं उनको डांट सकता हूँ, मेरी बात उनसे मनवा सकता हूँ क्योंकि वो मुझ पे निर्भर है। अब लक्ष्य बदल गया है, क्या लक्ष्य हो गया, अब मानव लक्ष्य हो गया तो मेरा बिहेवियर कैसा होगा। मानव लक्ष्य का मतलब है स्वयं को जीवन और शरीर के रूप में स्वीकारना, मानव लक्ष्य का मतलब है दूसरे को भी जीवन और शरीर के रूप में स्वीकारना, ये समझदारी का मतलब है मानव मूलतः गलती करना नहीं चाहता, मानव सुखी होना चाहता है, सफल होना चाहता है, हर मानव में जीवन रूप में क्षमता समान है ना, तो दूसरे को भी अपने समान स्वीकार करना। अब कोई पत्नी के रूप में मेरे पास है ना,
तो ये टेकन फॉर ग्रांटेड लेने की बजाय वो जो कुछ भी पूरे परिवार के लिए करती है उसका मूल्यांकन कर पाना कि ये पूरे परिवार के लिए क्या योगदान करती है, उस योगदान के प्रति स्वीकृति होना, उस भाव के साथ प्रस्तुत होना, ये कौन कर पाएगा? जब स्वयं में आदमी भरा हुआ होता है और यदि मानव लक्ष्य मेरे पास है तो मेरा लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य है कि मेरे को फिर क्रोध आएगा कि नहीं आएगा? क्रोध आता है तो मेरी अक्षमता है, फिर मैं क्रोध का स्रोत हूं कि मैं स्नेह का स्रोत हूं? मैं स्नेह का स्रोत हूं तो मैं समाधान का स्रोत हूं, मैं स्नेह का स्रोत हूं, समाधान का स्रोत हूं, परिवार में सभी समझदार हो जाएं, परिवार समृद्ध हो जाए, ये मेरा लक्ष्य है। ये लक्ष्य मैं अकेला पूरा कर लूंगा कि इसमें मेरे को परिवार की सबकी जरूरत है, सबके सहयोग की जरूरत है? अब यदि मेरे को सबके सहयोग की जरूरत है तो मैं सबकी भूमिकाओं का सम्मान कर पाऊंगा, मानव के रूप में सबको स्वीकार कर पाऊंगा, ये परिवार समाधान समृद्धि पूर्वक जिए, ये लक्ष्य एक मानव से पूरा होगा कि सभी के सहयोग से पूरा होगा? सभी के सहयोग से पूरा होगा तो सभी का सहयोग लेना मेरी आवश्यकता बन जाती है, सभी का सहयोग पाना हम सबकी आवश्यकता बन जाती है, हम सबका लक्ष्य एक है, हम मिलके एक दूसरे के लिए सहयोगी हो गए। अब मेरा लक्ष्य ये भी है कि समाज में भी अभयता आए, तो समाज में अभयता आए तो अब ये मेरी अकेले की भूमिका है कि मेरे परिवार की भूमिका है कि मेरे परिवार का समाज के अखंड भयमुक्त होने में क्या योगदान है? तो मेरे परिवार का योगदान होगा तो फिर परिवार मिलके सामूहिक रूप से सोचेगा, एक्शन हमारी भूमिकाएं हमारे अलग अलग होते हैं लेकिन मेरी भूमिका की मेरे परिवार में स्वीकृति होगी, है ना? जैसे मैंने आपके सामने अपने आप को ही रखा कि मेरे परिवार में मेरी भूमिका की ये मेरी पत्नी या मेरे बच्चों के मन में ये स्वीकृति है कि मैं किसी अच्छे काम में लगा हूँ, मैं परिवार के लिए पैसे नहीं कमाता हूँ, परिवार अपनी मेहनत से अपने घर की आर्थिक व्यवस्था को चलाता है, साथ में मेरे को भी सपोर्ट करता है। क्यों सपोर्ट करता है? और इससे उनके मन में कोई गिला शिकवा शिकायत नहीं है, इससे उनके मन में कोई हीनता का भाव नहीं है, बल्कि गर्व का भाव है कि हमारा परिवार अखंड सामाजिकता के अर्थ में कोई भूमिका निभा रहा है, उस क्रम में हमारा पति या पिता इस काम में फुल टाइम लगा है, इसलिए तो ये पूरे परिवार की सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में स्वीकार है। इस तरह से परिवार में परिवार भी समाधान समृद्धि के साथ जिए, परिवार समाज भी भयमुक्त होके जिए, इस अर्थ में परिवार की भूमिका है। इस अर्थ में परिवार में एक दूसरे के प्रति सम्मान और भाव बना रहता है, गिला शिकवा शिकायत नहीं रहता है। बढ़िया। तो इससे ये समझ में आया, जिसने जिस चीज को महत्वपूर्ण माना है उसके लिए अपना तन मन धन लगाया है, तो जिसने जिसको अपना लक्ष्य माना है उसके अनुरूप उसका आचरण है। तो आचरण कहां से आएगा? जैसा हमारा लक्ष्य है। लक्ष्य ही छोटा है तो आचरण भी छोटा है, लक्ष्य ही विशाल है तो आचरण भी विशाल है। और मेरा आचरण, हम सबका आचरण विशालता को पा जाए, हम सिकुड़ के जिए कि फैल के जिए, क्या चाहते? फैल के जिए। फैल के जिएंगे कैसे? फैल के जीने का आधार प्यार, विश्वास, सम्मान होगा कि मैं दूसरों को छोटा सिद्ध करूंगा तो मैं फैल जाऊंगा। तो नंबर वन बन के मैं फैलूंगा कि सही अर्थों में, तो दूसरों से आगे बढ़ना मेरा बढ़ना है कि दूसरों को आगे बढ़ाना मेरा बढ़ना है? और दूसरों को आगे बढ़ाने में मैं आगे बढ़ता ही हूँ, दूसरों को आगे बढ़ाने में मैं आगे बढ़ता ही हूँ। तो इस तरह से हमने देखा अभी कृतज्ञता में क्या कमी है। अभी कृतज्ञता केवल जिंदा रहने के अर्थ में है, सहयोग देने वाला अहंकार के भाग में जाता है, सहयोग लेने वाला इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में जाता है, इसलिए कोई किसी से सहयोग लेना नहीं चाहता है, है ना? और पूरा समाज रुका हुआ है, जो रुका हुआ है वो सड़ जाता है। बहता पानी साफ कहलाता है। यदि समाज में सही अर्थों में देखो तो हमारे घर में कुछ चीजें हैं जो अनुपयोगी हैं या हमारी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो रहा है, और किसी के लिए वो क्षमता बहुत उपयोगी हो सकती है, तो जो कुछ हमारे पास है हमारी आवश्यकता से अधिक है वो दूसरों के लिए उपलब्ध हो जाए, हमारी खुशी के लिए उपलब्ध हो जाए, वो भी तृप्त हुए,
हम भी तृप्त हुए जब हमको मानव लक्ष्य स्वीकार हो जाता है, क्योंकि हमारे पास जो सोचने विचारने की अक्षय बल समता है वो हमारी वजह से है कि वो नेचर के कारण है, उसमें तो हमारा कोई योगदान ही नहीं, वो तो हमारा कमाया हुआ नहीं है। तो हमको नेचर से अक्षय बल शक्ति मिली है, अक्षय बल शक्ति केवल मेरे घर में लग जाएगी इतना पर्याप्त हो जाएगा ऐसा नहीं है। अक्षय बल शक्ति का मतलब है संपूर्ण को समझ पाना और संपूर्ण के साथ में जी पाना। तो बार बार उतनी ही बात आएगी कि कैसे भाव अधूरापन है और कैसे भाव की निरंतरता बनेगी। तो क्या समझ में आया? कृतज्ञता का भाव सौम्यता के रूप में व्यक्त होता है। बढ़िया है ना? तो कृतज्ञता के लिए दो बढ़िया सूत्र हैं। मानव कृतज्ञता मानव के समूचे आचरण को परिभाषित करता है। देखो, यदि हम कृतज्ञ हैं, किस किस के कृतज्ञ हैं? अब समझ में आया कि कृतज्ञता कैसी है कि इस मानव परंपरा ने मेहनत किया है तो हमको आज ऐसे मकान उपलब्ध हैं, आज ऐसे कपड़े उपलब्ध हैं, ऐसे खान पान उपलब्ध हैं, तो हमारा परंपरा के प्रति भी सम्मान व्यक्त होता है। एक व्यक्ति जितना कृतज्ञ होता है उतना ही अपने आप में अपने आचरण में नियंत्रित होता है। और कोई कृतज्ञ है का मतलब है उसने पाया है तो लौटाएगा कि नहीं लौटाएगा? लौटाएगा। तो मैं क्या लौटा सकता हूँ, मैं क्या दे सकता हूँ, मैं इस भाव में आ जाता हूँ। और जैसे ही मैं इस बात को स्वीकारता हूँ कि मैं क्या दे सकता हूँ, मेरे भीतर बड़प्पन अवतरित होना शुरू हो जाता है। क्योंकि जब भी मैं देने के भाव में होता हूँ तब मैं है ना अपने आप को बेहतर महसूस करता हूँ, जब मैं लेने के भाव में होता हूँ तो छोटा महसूस करता हूँ। तो एक व्यक्ति को परिवार से क्या मिला, इसलिए जब हम स्कूल चलाते हैं तो नर्सरी में एक साल का लेसन केवल यही है कि माँ से बच्चे को क्या मिला। अभी बच्चा टेकन फॉर ग्रांटेड मानता है कि माँ को तो ये करना ही था, इसलिए वो माता पिता के भी कृतज्ञ नहीं है ना। तो बच्चे को साल भर ये सिखा पाना कि माँ मेरे लिए क्या क्या करती है, अगले चरण में ये सिखा पाना कि पिता का योगदान क्या है, अगले चरण में पूरे परिवार का योगदान मेरे विकास में क्या है, और बड़ा होगा बड़े क्लासेस में जाएगा तो दूसरी तीसरी चौथी में जाएगा तो समाज ने क्या योगदान दिया है मेरे विकास में, तो एक व्यक्ति के विकसित होने में पूरे समाज का क्या योगदान है, बड़ा होते होते वो कैसे भाव के साथ होगा, वो उद्दंडता के साथ में होगा कि कृतज्ञता के साथ में होगा। तो यहां से समझ में आता है कि हम एजुकेशन में भाव को कैसे दें। तो एजुकेशन में कृतज्ञता के भाव को बचपन में स्थापित करना बहुत आसान है, किसी एक उम्र बीतने के बाद जवान होने के बाद में कृतज्ञता के भाव को स्थापित करना बहुत मुश्किल है। अभी किसी भी जवान बच्चे से पूछो कि समाज के लिए क्या करोगे तो क्या बोलेगा, कहेगा समाज ने मेरे लिए किया ही क्या है। तो गलत भी नहीं कह रहा है ज्यादा, इसका मतलब ये हुआ कि एक बच्चा अपने परिवार के अलावा जो कुछ भी पाया है वो पैसे से पाया है, तो उसको लगता है कि समाज नाम की कोई चीज नहीं होती है। इसलिए अब हमको ये भी ध्यान में आता है कि यदि हम एक मोहल्ले में हैं और हमारे मोहल्ले के 10 परिवारों ने मिलकर शिविर किया है, वो मिलकर आपस में अध्ययन करते हैं, तो अब वो अपने बच्चों के लिए सोच पाएंगे कि हम अपने बच्चों के लिए क्या व्यवस्था करें। तो अपने बच्चों को एक सही आचरण मिले, समाज के लोग, समाज के परिवार, अपने ही घरों में, कोई उसके लिए अलग से बिल्डिंग की आवश्यकता नहीं है। तो सही अर्थों में तो कम से कम प्री प्राइमरी एजुकेशन मोहल्ले में मोहल्ले के परिवारों के द्वारा संपन्न हो। एक बच्चा प्री प्राइमरी का मतलब 5 साल पूरा होते होते इस एहसास के साथ होगा कि मेरे को बड़ा पूरे मोहल्ले ने किया है, पूरे परिवारों ने मिल के मेरे को बड़ा किया है, तो उसको उसके भीतर समाजीकरण होगा कि नहीं होगा। देखो, हम लोगों के बच्चों में ये समाजीकरण कैसे आया, जब हम लोग जुड़े थे, जब हम लोग के बच्चे बहुत छोटे थे, 1-2-3 साल के थे, तो हम लोग 10-12 लोग का ग्रुप था और मिलके हम लोग इस अनुसंधान, हम लोग नए नए शिविर किए थे, तो हम लोग वीकली मिलते थे और सब लोग मिलके इसको समाज में कैसे स्थापित करें, तो शिविर ऑर्गेनाइज करना और ये सारी गतिविधियां ऑर्गेनाइज करना, तो हम 10 लोग 10 परिवार ऐसे मिलके काम करते थे। अब हमारी वीकली मीटिंग होती थी, वीकली मीटिंग में बैठ के हम यही चर्चा करते थे, पूरे वीक में हमने क्या अध्ययन किया, परिवार में क्या हुआ, क्या समझ में आया, पति पत्नी में क्या हुआ। बच्चों के लिए वो मीटिंग को बच्चे याद दिलाते थे
पापा आज मीटिंग है, क्यों? वो क्यों याद दिलाता है? क्योंकि उसको उसके दोस्त मिलने वाले हैं। तो बच्चों को उसके, जब हम परिवार सारे मिलेंगे तो सब अपने बच्चों को भी लेके आएंगे, बच्चों को उनके दोस्त मिलेंगे, तो बच्चों का शिविर अलग चलता था। तो बच्चे हमको लगातार देख रहे हैं, ये क्या चर्चा करते हैं, ये किस तरह की गतिविधियों में लगे हैं, इनका तनमंधन कहाँ लगता है और इनका आचरण कैसा है, इनका उठना बैठना कैसा है, आपस में प्यार कैसा है, एक दूसरे के लिए स्नेह सहयोग कैसा है। तो हम 10 परिवार ऐसे बड़े हुए जिसमें कि एक दूसरे का तनमन, एक दूसरे एक तनमन, आपको कार किसकी है ये पता नहीं चलेगा, कौन चला रहा है, किसकी गाड़ी है ये पता नहीं चलेगा। तो आज बच्चे बड़े हुए हैं, हमारे 10-12 बच्चे मान लो हैं, ये 10-12 बच्चे सारे भाई बहन जैसा रहते हैं और ये आपस में मिलके एक दूसरे की प्रॉब्लम निपटा लेते हैं, हम तक प्रॉब्लम पहुंचती ही नहीं। इनको पिक्चर जाना है तो ये 12 बच्चे पिक्चर भी चले जाते थे, इनको कहीं घूमने जाना है 10-12 बच्चे घूमने भी चले जाते थे, हम भी निश्चिंत हैं कि हमारे बच्चे सेफ हैं और हमारे बच्चे सही हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब ये सामाजिकरण बोलने से आएगा, ये जो परिवारों में बच्चों में आपस में प्यार विकसित हुआ, आज उन बच्चों की सबकी शादियां हो गई हैं, हो रही हैं, आज उनके बच्चे हो रहे हैं, वो भाव उनका आज भी मेंटेन्ड है। इसका मतलब क्या हुआ? ये बोलने से आएगा कि जीने से आएगा? तो ये भाव जीने से आएगा। इसका मतलब, इसलिए ये कह रहा हूं कि हम जहां भी रह रहे हैं वहां 10 परिवारों को इस समझने की प्रक्रिया में शामिल करना, ये 10 परिवारों का मिलके शिविर ऑर्गेनाइज करना, अध्ययन शिविर ऑर्गेनाइज करना, ऐसे विद्यालय चलाना, ऐसे अपने मोहल्ले में प्री प्राइमरी के बच्चों के साथ में काम करना, जो बच्चे बड़े हो गए हैं, जैसे आप में से कितने लोगों को लगता है कि बच्चों के साथ शिविर किए जा सकते हैं, है ना? कितने लोगों को लगता है कि मैं इसके लिए तैयार होना चाहूंगा, मैं बच्चों के शिविर चलाऊंगा? तो ये संकल्प अपने भीतर आए, हम अपने आप को तैयार करें, अपने मोहल्ले में बच्चों के शिविर लगाओ, देखो मोहल्ला कैसा होगा, देखो बच्चे आपके कैसे, जिस मोहल्ले से बने मोहल्ले में जहां निकलोगे बच्चे पैर छूते हुए निकल जाएंगे। हमने उन बच्चों के लिए किया क्या है जो उनसे सम्मान की अपेक्षा करते हैं? नहीं, उसका बच्चा पैर नहीं छूता, उसका बच्चा तो नमस्ते नहीं करता, फिर आपने किया क्या उसके लिए वो आपको नमस्ते करे? तो सही अर्थों में प्री प्राइमरी या प्राइमरी तक की एजुकेशन मोहल्ले में पूरी हो, बिना किसी पे टीचर के हो, इसलिए विद्यालय क्या है? अभिभावकों की संयुक्त अभिव्यक्ति विद्यालय है, पेरेंट्स का जॉइंट एक्सप्रेशन विद्यालय है। कम से कम प्राइमरी क्लास तक पेड टीचर उनको मिलता है तो सब कुछ पैसे से मिलता है। यदि प्राइमरी स्कूल तक, फिफ्थ क्लास तक कम से कम, है ना, अपने मोहल्ले के लोग या सक्षम लोग उन बच्चों को अपना समय देते हैं और उपकार विधि से देते हैं, बिना किसी आर्थिक अपेक्षा से देते हैं, बिना किसी आर्थिक अपेक्षा के देंगे तो भाव विधि से ही देंगे, और योग्य लोग उनके सामने खड़े होते हैं, अपनी जिंदगी को उनसे शेयर करते हैं, उनको सब कुछ सिखाते हैं, तो उनके बच्चों की तैयारी कर, बच्चों को अच्छे टीचर कैसे मिलेंगे? अभी प्राइमरी क्लास, प्री प्राइमरी क्लास में कौन पढ़ाता है, इसको 2,000-3,000-4,000 रुपए मिलते हैं? देखो, एक सोचने की बात है। मेरे को लगता है कि हम सब गुजरात में खूब सोचने वाले लोग हैं और हमने नई आइडियाज को बहुत अच्छे से पकड़ा है और उसको इम्प्लीमेंट किया है। आज आपका बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है, उस स्कूल में पढ़ने वाले कितने बच्चे उसी स्कूल में टीचर होना चाहते हैं? आपका बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता होगा, पर किसी प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ता होगा। तो आपका बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है, कितने बच्चे उसी स्कूल में टीचर होना चाहेंगे? कोई नहीं। इसका मतलब आपके बच्चे को कौन पढ़ाता है? आपके बच्चे से कम कैलिबर वाला व्यक्ति वहां पढ़ाने आया है कि ज्यादा कैलिबर वाला व्यक्ति पढ़ाने आया है? आपके बच्चे के कैलिबर के बच्चे तो वहां नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि वो तो टीचर होना नहीं चाहते। तो आपके बच्चे का टीचर कौन है? प्राइवेट स्कूल में आपके बच्चे का टीचर आपके बच्चों से कम कैलिबर वाला व्यक्ति है कि ज्यादा कैलिबर वाला व्यक्ति? समझ में नहीं आ रहा? आ रहा कि नहीं आ रहा? तो क्या लगता है, कम वाला है कि ज्यादा वाला? कम वाला है, क्योंकि 4,000 में, 5,000 में, 10,000 में, 15,000 में कौन पढ़ाने आएगा? वही आएगा जिसको और कोई काम नहीं मिला है, 15,000 से ज्यादा और कहीं नहीं मिल सकता था।
तो देश के सारे बच्चे किनके हाथों में हैं? बच्चों से ज्यादा कॉम्पिटेंट हाथों में है कि बच्चों से कम कॉम्पिटेंट लोगों के हाथों में? तो हमारे देश के पूरे बच्चे अपने से कमजोर लोगों के हाथों में है। वो कैसे बनेंगे? अब आप पैसे कमाए जाओ, आप पैसे कमाए जाओ, बच्चा तो उस हाथ में नहीं है। इसका मतलब हमारे बच्चे को ऐसे लोग पढ़ाएं। देखो, बच्चे के सामने खड़ा होके बोलना उस समय तो वो आपको पूर्ण मानव ही मानता है, और ये पूर्ण मानव इतने अधूरे निकल जाए तो उसका मानवता से ही विश्वास उठ जाता है। इसी का नाम मनमानी है। बच्चे ने देख लिया है इनमें किसी की मानने की जरूरत नहीं है, या उसको श्रेष्ठ आचरण, जब वो बच्चा था तो उसको वो कृतज्ञता पहुंची ही नहीं, उसको ये इवेल्युएट करने की जगह हमने नहीं बनाई कि माँ ने तुम्हारे लिए क्या किया, पिता ने क्या किया, परिवार ने क्या किया, उसको ये मूल्यांकन करने की जगह ही नहीं है। उसको लगता है ये सब टेकन फॉर, जैसे हम टेकन फॉर, हमको देखता है वो भाई, एक बच्चा अपने माँ बाप को देखता है, वो एक दूसरे की कैसे वैल्यू कर रहा है, वो एक दूसरे को डांट रहे, एक दूसरे को काम बता रहे है ना, और काम बताने की में बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं है, या बॉडी लैंग्वेज वैसी नहीं है कि जैसा कृतज्ञ होने की जरूरत है, वो भी मान लेता है कि ये इसका काम है। कोई हमारे लिए अपना समय दे रहा है, आज वो दौर आ गया, आज आप दूसरे को आप पति पत्नी को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकता है, इसलिए हम अलग अलग हो रहे हैं, इसलिए अब साथ रहने की गुंजाइश खत्म हो गई, समझदारी आई नहीं, आस्थाएं चली गई, जिन आस्थाओं के सहारे हम एक दूसरे के साथ चल पा रहे थे या झिला रहे थे, अब कोई झेलने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब क्या करें? हमारे बच्चे को कॉम्पिटेंट टीचर कैसे मिलेगा? कितनी सैलरी दोगे? मेरे को कितना पैसा दोगे कि मैं आपके पास दोबारा आऊंगा? कितना दे सकते? कॉम्पिटेंट आदमी सही अर्थों में एक बच्चे के साथ तो भावपूर्वक प्रस्तुत होने वाला आदमी की ही जरूरत है। कम से कम छोटे क्लासेस में उसको पेड़ आदमी की जरूरत नहीं है। और ये भाव से जो प्रस्तुत होगा, यदि ये कॉम्पिटेंट भी होगा है ना, तो इसका प्रभाव बच्चे पे क्या पड़ने वाला है? लगभग लगभग सभी बच्चों की पढ़ाई से अरुचि है, क्योंकि बहुत इनकॉम्पिटेंट लोग पढ़ा रहे हैं, वो और अरुचि पैदा कर देते हैं। कुछ टीचर अरुचि पैदा करता है, कुछ माँ बाप अरुचि पैदा करते हैं, मिला जुला के जैसी भी ये पढ़ाई है उसके प्रति भी बहुत रुचि पैदा हो सकती है। यदि आप ऐसा देखते ही हैं, कोई भी व्यक्ति आपको मिलेगा वो कहेगा कि उस टीचर की वजह से मेरा वो सब्जेक्ट बहुत अच्छा हो गया और मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो गया, और टीचर की वजह से मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया। ये दोनों बातें आपको मिलेंगी। तो धीरे से ये बात ध्यान में आई, देखो जैसे जैसे अब ये शिविर आगे बढ़ेंगे और लोग अध्ययन करेंगे, क्या होने वाला है? मानव जो कुछ भी करता है सुखी होने के लिए करता है, पैसा कमाता है तो सुखी होने के लिए, पद कमाता है तो सुखी होने के लिए। अब सुख क्या है? समाधान बराबर सुख है। तो अब मानव, मानव बनना और मानव बनाना सबसे सुखदायी काम है। जब एक मानव, जब मैं आपका सुनता हूं कि हम 6 महीने से इस काम में लगे हैं, हम 2 साल से इस काम में लगे हैं, हमारे परिवार में ये रिजल्ट आ गया है, हमारे बच्चों में ये रिजल्ट आया है, तो मेरा तो पेमेंट हो जाता है, मेरे को तो वो खुशी मिल जाती है ना, जिस खुशी की मुझको तलाश है कि यार ये दुनिया बदल सकती है, ये दुनिया बदल सकती है, परिवार सुखदायी हो सकते हैं, वन अर्थ वन फैमिली हो सकती है, ये मानवता का विस्तार हो सकता है, और इसमें अपनी उपयोगिता से हर मानव अपने महत्व को जानकर तृप्त रहता है। मैं एक बढ़िया काम में लगा हूं, मैं एक शानदार काम में लगा हूं और मैं इसको करूंगा, मेरा पेमेंट हो गया, बाकी तो खाना पीना। इसका मतलब कितने लोग निकलने वाले हैं शिक्षा के लिए? कितने लोग निकलने वाले हैं शिक्षा के लिए? ये सारे बच्चे आने वाली पीढ़ी को उपलब्ध है, ये सारे लोग आने वाली पीढ़ी को उपलब्ध होंगे। जब आने वाली पीढ़ी को समाज हाथ पे लेके चलेगा
तो उसके भीतर समाज के प्रति कृतज्ञता का भाव होगा, उसके भीतर वो गौरव होगा, उसके भीतर वैसा बनने की कामना होगी, उससे बेहतर बनने की कामना होगी। तो देखते हैं विसनगर में, देखते हैं विसनगर में अगले 2 साल। दिसंबर 24 का समय देता हूं, दिसंबर 24 तक विसनगर के कितने मोहल्लों में लोग मिलके अपने बच्चों के लिए सोचने लगे हैं, अपने प्री प्राइमरी के बच्चों के लिए सोचने लगे हैं, है ना। कितने लोग शादी के पहले शिविर, अध्ययन शिविर पूर्वक पति पत्नी संबंध को बेहतर समझने लगे हैं, कितने परिवारों में वीकली गोष्ठियां चलने लगी हैं। धीरे से हम परिवार के भाग बोर्ड लगाएंगे, जिस परिवार में रेगुलर गोष्ठी 1 साल चल जाएगी उस परिवार के सामने हैप्पी फैमिली का बोर्ड लगाया जाए, हैप्पी फैमिली। ये बहुत हल्का टारगेट नहीं है, परिवार का साथ बैठना बहुत मुश्किल काम है। यदि परिवार रात को खाना खाने के बाद 1 घंटे बैठ के, आधा घंटे बैठ के केवल ये शेयरिंग करते हैं कि आज दिन भर मैंने क्या किया, क्या निकला, इससे परिवार में एक दूसरे के प्रति पता रहता है कि क्या चल रहा है। इससे आप कोई ऐसा आचरण भी कर देते हो जो सामान्य नहीं था, तो मैं समझ पाता हूं कि आजकल ये परेशानी चल रही है। देखो, हम अधिकांश घरों में पति अपनी परेशानियों को पत्नियों को नहीं बताते। क्यों नहीं बताते? वो और परेशान होगी, और परेशान करेगी, एक काम और शुरू हो जाएगा, तो ऐसे अच्छा मैं ही परेशान रह लेता हूं। लेकिन परेशानियों को भी शेयर करने से हमारे सोचने की दिशा बनती है, उससे भी हमारी सोच में मैच्योरिटी आती है, उससे परिवार का विकास होता है। तो परिवार में हम समस्याओं को भी शेयर कर पाएं, हम जिन समस्याओं से, जिस मानसिकता से गुजर रहे हैं, परिवार भी उसको समझ पाए, उसमें पैनिक करने की बजाय कैसे मिलके चलेंगे। तो घर में महिला के मन में कुछ चल रहा है, वो पति को शेयर नहीं कर पाती है, पति पत्नी को शेयर नहीं कर पाता है, आपस में भाई भाई मिलके शेयर करें ये तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारा कोई एक लक्ष्य नहीं। यदि इस रूप में हमारा लक्ष्य एक होगा तो धीरे धीरे दिखाई देगा कि हम विसनगर में ही कितने कितने फैमिलीज में ऐसा होगा जहां महिलाओं के पास बहुत समय है और बहुत योग्य महिलाएं हैं, जिनके जिनकी जिनकी अतृप्ति ये है कि हम करें क्या, पैसा कमाने की सबको जरूरत नहीं है। तो इस रूप में देखते हैं, अभी क्या हो गया, अभी क्या चल रहा है, जुलाई नहीं जून, जून से लेके दिसंबर 24, तो 1.5 साल का समय अपने पास। 1.5 साल के समय में देखते हैं कि एक पड़ाव हम कहाँ तक पार करते हैं, और धीरे धीरे देखेंगे कि यदि सही अर्थों में हम बात कर रहे हैं तो सही अर्थों में हमारे बच्चों को आज हम लोग आपके लिए क्यों उपलब्ध हो गए, या मेरे जैसे तो और बहुत सारे लोग हैं जो जीवन विद्या में लगे हैं और बिना किसी आर्थिक अपेक्षा के जीवन विद्या में लगे सारे मित्र अपना तन मन धन अपने परिवार से लगा के, और जो कुछ भी कभी कोई स्थिति है तो मित्रों के स्नेह सहयोग से, लेकिन कम से कम कोई फीस तो कोई नहीं लेता है, बोलने की फीस कोई नहीं लेता। क्या माना गया, क्यों माना गया, क्या माना गया? ज्ञान क्या है? अपनेपन का विस्तार है। ज्ञान का और कोई मतलब नहीं है, अपनेपन का विस्तार ही ज्ञान है। यदि मेरा अपनेपन का विस्तार हुआ है तो आप मेरे अपने ही भाई बहन हो, अपने भाई बहन से बात करते हैं तो बिल बना के थोड़ी देते, अपने घर में बात करते हैं तो बिल बना के थोड़ी देते हैं, ये तो अपनेपन का विस्तार है। तो सही अर्थों में अपनेपन का विस्तार ही मानव की चेतना का विस्तार है, अपनेपन का विस्तार ही मानव के सुख का विस्तार है, मेरे सुख का विस्तार और मेरे सुख का विस्तार ही मेरी उपयोगिता का विस्तार है, यही मेरा सम्मान है, यही मेरी पहचान। बढ़िया, नमस्कार, धन्यवाद, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद।